हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग फिर से बताने जा रहे हैं केमिस्ट्री का आज क्लास होगा। केमिस्ट्री में आपका सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे थे, थोड़ा सा हम ओवरव्यू बता दें। केमिस्ट्री जो आपका है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है, आपका इनऑर्गेनिक का पार्ट है और आपका फिजिकल का पार्ट है। हम सबसे पहले जो शुरुआत करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक पेपर को शुरुआत करने जा रहे हैं। ऑर्गेनिक पर कमांड थोड़ा ज्यादा बनाओगे क्योंकि ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ये तुम लोग हम पहले बता चुके हैं, इसलिए बढ़िया से देखते चलो और समझते चलो। जो भी लिख दे बस एक एक बात लिखते चलना, एक एक बात समझते चलना, एक एक बात को नोट करते चलना। बात समझ गया? ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। चलो देखो, ऑर्गेनिक पेपर में सबसे पहला चैप्टर जो आता है केमिस्ट्री में, सबसे पहला चैप्टर वो तुम्हारा आता है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। पहला चैप्टर का नाम क्या है? हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन को डिटेल चर्चा करेंगे, आज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा पूरा पूरा, मतलब आज खत्म हो जाएगा पूरा चैप्टर को क्लियर करेंगे। लंबा जाएगा थोड़ा लेक्चर, धैर्य लगाकर कॉपी और कलम लेकर बैठो, एक एक बात को लिखो, एक एक बात को समझो और आगे बढ़ो। ठीक है, तो मेन हम लोग का आज क्या है, आज का टॉपिक है हेलो एल्केन, फिर हम मुद्दा उठाएंगे किसका, हेलो एरीन का। ये दोनों मुद्दा उठाते हुए और आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, तो चलो देखो, हेलो एल्केन में मेजरली जो तुम्हारा जो पूछा जाएगा, हम बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे इस पर, लेकिन जो पूछा जाएगा मेजरली कहां से, तो ये तुम्हारा प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, तुम्हारा क्या बताओ, प्रिपरेशन। दूसरा जो तुम्हारा है वो पूछा जाएगा, तुम्हारा प्रिपरेशन हो गया, दूसरा तुम्हारा है प्रॉपर्टीज। ये दो अगर क्लियर कर लेते हो तो हेलो एल्केन तमाम, हेलो एल्केन में पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये देखोगे प्रिपरेशन और क्या प्रॉपर्टीज। तो चलो धीरे धीरे करके एक एक एकदम प्रिपरेशन को देखेंगे और प्रॉपर्टीज को देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बस जितना बता दें दिमाग में बैठा लो, एक एक बात को दिमाग में बना लो। ठीक है, बाकी रह गया, बहुत सारा स्टूडेंट ये बोल रहा है कि सर रूटीन कैसे ये करें, कैसे करें। अरे बस कुछ नहीं करना है तुमको, एक से डेढ़ घंटा पढ़ लेना है। ठीक है, हर सब्जेक्ट पर तुमको प्रत्येक दिन एक से डेढ़ घंटा देना है, चाहे वो केमिस्ट्री पढ़ रहा हो, चाहे तुम मैथमेटिक्स पढ़ रहा हो, चाहे बायोलॉजी पढ़ रहा हो, जो भी पढ़ रहे हो बस एक से डेढ़ घंटा समय दो, रेगुलर पढ़ते चलो, थोड़ा मेहनत तो करना ही पड़ेगा, है ना, तो करना तो पड़ेगा ही। फिलहाल देखो, तो हम चल रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन में कंटेंट पहले हम बना रहे थे, हम लोग का रॉ मटेरियल सबसे पहले क्या रहेगा, एल्कोहल। एल्कोहल से हम लोग हेलो एल्केन को बनाएंगे। ठीक है, दूसरा जो तुम्हारा है वो है तुम्हारा एल्केन, क्या है बताओ, एल्केन। तीसरा जो तुम्हारा है वो तुम्हारा है एल्कीन, एकदम बढ़िया समझते चलो, एल्कीन। अब ये क्या क्या है ये आगे देखेंगे। ठीक है, चौथा जो तुम्हारा है वो हैलाइड एक्सचेंज मेथड, हैलाइड एक्सचेंज मेथड, एक्सचेंज मेथड। ठीक है, ये हैलाइड एक्सचेंज मेथड। और चौथा और पांचवा जो तुम्हारा है वो है फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड। ये चार, ये पांच तरह का हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन, क्या क्या थोड़ा बताओ। एल्कोहल से बनाना है, एल्कोहल से कैसे बनेगा ये डिटेल चर्चा करेंगे। एल्केन से बनाना होगा, एल्कीन से बनाना होगा। हैलाइड एक्सचेंज मेथड है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड है। बात समझ में आ गया, ये तुम्हारा हो गया प्रिपरेशन का टर्म। अब प्रिपरेशन हम लोग चलेंगे डिटेल चर्चा करेंगे, लेकिन प्रिपरेशन का कंटेंट में क्या क्या जानना पड़ेगा बताओ, एल्कोहल, एल्केन, एल्कीन, हैलाइड एक्सचेंज मेथड और सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। ठीक, बात समझ गया, ये तुम्हारा हो गया प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, ये तुम्हारा हो गया प्रिपरेशन, ये प्रिपरेशन है, मतलब हेलो एल्केन को बनाओगे कैसे। अब तुम बोल रहे हो सर हेलो एल्केन के जानते हैं ये नहीं है, बनाने का तो दूर बात, अरे जानेंगे, टेंशन मत लो, खाली देखते चलो। ठीक है, और एक एक बात को नोट करते चलो। ये बनाएंगे कैसे, चार रॉ मटेरियल है, ये रॉ मटेरियल के रूप में आएगा, ये चार तरह का। जब एल्कोहल रहेगा तब क्या करेंगे, जब एल्केन रहेगा तब क्या करेंगे, जब एल्कीन रहेगा तब क्या करेंगे। हैलाइड एक्सचेंज मेथड मतलब हेलो एल्केन को दो हायर हेलो एल्केन बनाना हो, या फिर तुम्हारा क्या करना हो, आयोडाइड और फ्लोराइड बनाना है। जनरली आयोडाइड और फ्लोराइड नहीं बनता है, तो उसको बनाने के लिए एक नेक्स्ट मेथड होता है जिसको हैलाइड एक्सचेंज मेथड बोलते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, याद रख। ठीक है, ये प्रिपरेशन का टर्म है, चलो हम इसको मिटा रहे और समझाते हैं आगे। देखो हेलो एल्केन क्या होता है बाबू, एक समझना, थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। ये कार्बन, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है बताओ, चार बॉन्ड।
चार बॉन्ड बनाता है। तुम लोग को यहां पता होगा कि सिंगल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड अगर रहता है तो उसके लिए हम लोग यूज करते क्या, ए एन ई, एन एन पढ़ते, डबल बॉन्ड ई एन ई, इन पढ़ते, ट्रिपल बॉन्ड तुम्हारा क्या वाई एन ई, आइन पढ़ते, ठीक है। ये सब थोड़ा बहुत जानना, क्योंकि नॉमेनक्लेचर के बिना ऑर्गेनिक अधूरा है, नॉमेनक्लेचर जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारा पोर्शन है, ये तुम समझ सकते हो, थोड़ा बहुत हम कोशिश करेंगे बताने का, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया अल्केन, मतलब ये तुम्हारा क्या हो गया एन, ये हो गया इन, और ये क्या हो गया आइन। ये तुम्हारा सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब थोड़ा और बता देते, जैसे एक कार्बन अगर रहता हो ना तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिथ, ये सब जानता होगा। अगर दो कार्बन रहेगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथ। अगर तीन कार्बन होगा तो नाम क्या हो जाएगा, प्रॉप। इसी तरह से डॉट 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 करते जाओगे। अगर नंबर ऑफ कार्बन, मतलब तुम नहीं जानते हो कि कितना कार्बन होगा, नंबर ऑफ कार्बन रहेगा तो इसको हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं, अल्क। क्या बोलते हैं, अल्क। बात समझ में आ गया। अब यहां से देखो, अल्क के साथ अगर सिंगल बॉन्ड में रहेगा, मतलब नंबर ऑफ कार्बन लेकिन सिंगल बॉन्ड में रहेगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, थोड़ा बताओ। तो ये अल्क था लेकिन सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, मतलब एन जुड़ेगा, तो नाम क्या हो जाएगा, अल्केन। तो कुल मिलाकर अल्केन का मतलब नंबर ऑफ कार्बन और उसके साथ कौन है, सिंगल बॉन्ड। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दूसरा बात, अगर यदि मान ले कि ये नंबर ऑफ कार्बन हुआ प्लस डबल बॉन्ड वाला जोड़ दो तो ये क्या हो गया, थोड़ा बताओ, अल्किन। तो अल्किन क्या है, ये पता चल गया, नंबर ऑफ कार्बन लेकिन वो जुड़ा किससे है, डबल बॉन्ड से जुड़ा है, ठीक है। और तुम्हारा यहां देखो अल्क और प्लस क्या, आइन। तो ये तुम्हारा अल्क का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ कार्बन, और आइन का मतलब क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये यहां समझ में आ जाना चाहिए कि अल्केन क्या है, अल्किन क्या है, अल्काइन क्या है। ये समझ में आ गया, बात समझ रहे हो। तो ये चीज थोड़ा सा समझोगे और बढ़िया से देखोगे, ठीक है। हमने क्या बताया, तो कुछ नहीं, बहुत ज्यादा कुछ नहीं बताया, बस इतना दिमाग में रखना कि हैलो एल्केन का प्रिपरेशन कहां से करेंगे। तो हम बताए चार चीज, एल्कोहल, अल्केन, अल्किन, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा अल्काइन से भी बना सकते हो, और तुम्हारा क्या हो गया, हैलाइड एक्सचेंज मेथड, और सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, ठीक है। अल्केन तुमको हम बता दिए, अल्केन क्या है, अल्किन क्या है, अल्काइन क्या है। हम तुमको ये भी बताए कि एन कहां यूज करते हैं, सिंगल बॉन्ड, इन कहां यूज करते हैं, डबल बॉन्ड, आइन कहां यूज करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। एक कार्बन का नाम मीथ है, दो कार्बन का नाम मीथ है, तीन कार्बन का प्रॉप है, तो एन कार्बन का क्या हो जाएगा, अल्क, ठीक है। तो अल्क प्लस एन मतलब अल्क मतलब नंबर ऑफ कार्बन या सिंगल बॉन्ड, सो अल्केन, और नंबर ऑफ कार्बन इन डबल बॉन्ड, ये नंबर ऑफ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। सो फिलहाल ये तुम्हारा दिमाग में रख लोगे, रख लोगे। चलो अब यहां से एक चीज तुम देखो, ये चीज देखो, यहां एक कार्बन है, एक कार्बन का नाम क्या हो जाता है, मिथ, और सारा सिंगल बॉन्ड में है तो यह क्या हो जाएगा, एन। तो नाम क्या हो गया, थोड़ा बताओ, मिथेन। नाम क्या हो गया, मिथेन। कोई दिक्कत नहीं, मिथेन नाम हो गया। मिथेन से अगर मतलब कोई भी अगर अल्केन है, अल्केन से एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए, क्या हटा दिया, एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखो तीन हाइड्रोजन रहेगा, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां गायब हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मिथ। एक कार्बन का तो मिथ होगा, जब एक हाइड्रोजन हट जाता है तो इसके लिए यूज करते हैं आयन, तो नाम क्या हो गया, मिथाइन। नाम क्या हो गया, मतलब मिथाइन। कोई दिक्कत, बात समझ में आ रहा है, ये चीज थोड़ा सा दिमाग में तुमको क्या करना है, रख लेना है, ठीक है। अच्छा अब तुम बताओ, एक कार्बन से एक हाइड्रोजन हटाए तो ये तुम्हारा क्या हो गया, मिथाइन। तो नंबर ऑफ कार्बन का बात करें, नंबर ऑफ कार्बन, तो नंबर ऑफ कार्बन में चार बॉन्ड बना होगा ना, उसका एक बॉन्ड हम निकाल देते और इसको हटा देते, ये चार बॉन्ड बनाया होगा, इसका हटा देंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्क, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आयन। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, अल्काइन। को दिक्कत, ठीक है। तो यहां से देखो, इसको हम नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट जो करते हैं वो आर से करते हैं, किससे करते हैं, आर से, और आर में लगा दिया क्या, एच, मतलब सारा बॉन्ड है और एक इधर भी बॉन्ड है, मतलब चार बॉन्ड बनाया हुआ है, सारा सिंगल बॉन्ड है, इसका नाम क्या हो जाएगा, थोड़ा बताओ, तो ये अल्क हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या हो जाएगा, एन। तो नाम क्या हो गया, अल्केन। कोई दिक्कत, बात समझ रहे हो। तो ये तुम्हारा रिप्रेजेंट करेगा आर, और ये तुम्हारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, आर एस, तुम्हारा क्या, अल्केन। ये सब छोटा छोटा बात है जो तुम जानते हो, बढ़िया से जानते हो, चलो ठीक है, हम मान लिए कि तुम जानते हो, ठीक है, अल्केन, अल्किन, अल्काइन, हैलाइड एक्सचेंज मेथड, ये वगैरह वगैरह, ठीक, ये सब जानते हो। चलो फिलहाल अब यहां से देखो, ये सब बात फंडामेंटल बात है जो तुम जानते हो। मेन मुद्दा जो हम उठाने जा रहे हैं वो ये है कि प्रिपरेशन, या फिर हैलो एल्केन पहले कहेंगे कि इसको ये पहले देख लो। तो हैलो एल्केन, जैसे मान लो ये तुम्हारा क्या है बाबू, देखो अभी हम बताएं कि R में H, R का मतलब अल्काइल, H जब जुड़ा हुआ है, I तो आएगा, N लगेगा, तो ये तुम्हारा क्या है बताओ, अल्केन है। अरे क्या है, अल्केन है।
अल्केन में अगर मान लो इस अल्केन का हाइड्रोजन जो है ना वो हटा दो, ठीक है, किसके थ्रू, तो हाइड्रोजन के थ्रू, हाइड्रोजन उधर से आया इसको मारा ही भाग गया, ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा, आर के जगह मतलब एच की जगह कौन बैठ गया, एक्स। तो यहां से तुम देखो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा अल्काइल, ये तुम्हारा क्या हो गया थोड़ा बताओ अल्काइल, और इसको हम लोग क्या करते हैं हैलाइन, इसका नाम हो जाएगा अल्काइल हैलाइन, ये कॉमन नेम है तुम्हारा, ठीक है, अल्काइल हैलाइन। ये सब लिखते चलो, ये सब बात लिखते चलो जो अभी हम बता रहे, ठीक है, ये कॉमन नेम हो गया, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो ये अल्काइल हैलाइन हो गया, दूसरा अगर हम बात करें तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं हेलो, क्या कहेंगे हेलो, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा अल्क, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या हो जाएगा एन, तो ये तुम्हारा क्या हो गया हेलो अल्केन। बात समझ आ गया, कोई दिक्कत, क्लियर, हेलो जबी, ये तुम्हारा हो गया आईयूपीएसी नेम। तुमको नाम से मतलब नहीं रखना है कि कौन कॉमन है कौन आईयूपीएसी, बस नाम है, बस ये जान लो, है ना, दिस वन इज अल्काइल, दिस वन इज हेलो अल्केन, दोनों नाम होता है एक ही कंपाउंड का, अल्काइल लाइट भी बोल सकते हो, हेलो अल्केन भी बोल सकते हो। अल्काइल लाइट क्यों, क्योंकि आर से एक हाइड्रोजन हट गया तो अल्क और आयल जुड़ेगा, और इसको हैलाइड के रूप में कल लिखते हैं जब इसको कॉमन नेम लिखते थे, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या हो गया, ये आगे लिखोगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा हेलो, ये आगे लिखोगे तो हेलो और ये पीछे लिखो तो हैलाइड, तो ये हेलो हो गया, नंबर ऑफ कार्बन का अल्क और सिंगल बॉन्ड का क्या हो गया एन, तो हेलो अल्केन, ठीक, तो हेलो अल्केन क्या पता चल गया, ठीक है। इसी चीज को बनाना है, इसी चीज को बनाना है, पूरा प्रिपरेशन करना है, चलो देखते हैं हम लोग कैसे प्रिपरेशन होगा, बढ़िया से सीखते चलो। देखो यहां से ये अल्कोहल लगा हुआ है, ये तुम देख रहा होगा, ये अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, ठीक है। अल्कोहल में पहले HCl डाला गया और ZnCl2, ठीक है, अल्कोहल में HBr डाला गया और क्या बनेगा, अल्कोहल में Ki डाला गया, क्या बनेगा देखोगे ध्यान से। और यहां से तुम्हारा क्या हो गया, अगर मान लो ये तुम्हारा R है और यह तुम्हारा क्या है OH, ठीक है, और ये अल्कोहल में यहां से तुम क्या करोगे PCl3 डाल देते हो, PCl3 डाल देते हो, तब क्या बनेगा, ये एक ही बार बता रहे, या फिर ROH में तुम अगर PBr3 डाल देते हो, या फिर क्या करते हो PCl5 डाल देते हो, एक 3 वाला डालो एक 5 वाला डालो, ठीक है, यहां से। और एक लास्ट तुम्हारा क्या कि अल्कोहल में तुम्हारा क्या करते हो, अगर SOCl2 डालते हो इन प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन, यहां लिख देना पाइरिडीन के प्रेजेंस में, ठीक है, पाइरिडीन के प्रेजेंस में, तो अल्कोहल SOCl2 डाला, ठीक है, और इन प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन, तब क्या बनेगा, देखो एक एक करके आप बनाने शुरू करते हैं, ध्यान देना HCl रहेगा और HCl और ये ZnCl2 को, इसको हम लोग बोलते हैं लुकास, ये कौन दिया था लुकास रिएजन करते हैं इसको, क्या कहते हैं बताओ लुकास रिएजन, ठीक है, तो ये थोड़ा दिमाग में रख लेना, कभी कभी तुम्हारा एग्जाम में पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में कि लुकास रिएजन कौन कौन है, मतलब कौन है, तो ये HCl और ZnCl2 का मिक्सर को हम लोग क्या कहते हैं लुकास रिएजन करते हैं, ठीक है। अब देखो ये तुम्हारा क्या होगा, तो इसका OH और इसका H तुम्हारा क्या बन जाएगा H2O, ठीक है, प्लस इसका Cl जाके जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा RCl, कोई दिक्कत, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरो अल्केन, क्या बोलते हैं क्लोरो अल्केन, ये तुम्हारा हो जाएगा क्लोरो, क्योंकि Cl है और अल्क तो है और ये तुम्हारा क्या हो गया N, तो ये नाम क्या हो गया बताओ क्लोरो अल्केन, मेन नाम जानना है, ये तुम्हारा क्या है थोड़ा बताओ, तो ये अल्काइल, ये तुम्हारा अल्क है और ये आयल, और ये तुम्हारा क्या है अल्कोहल, तो अल्काइल अल्कोहल बोल सकते हो, ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रखना, नाम जरूर जानना, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम जानोगे तो काम खत्म हो जाएगा, एकदम काम ही बिगड़ जाएगा, इसलिए बढ़िया से समझ लेना। ये भी अल्कोहल है, अल्काइल अल्कोहल, यहाँ क्या डाले हो HBr, इसमें कोई प्रेजेंस डालने की जरूरत नहीं पड़ता है क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये रिएक्शन कर जाता है, तो यहां से क्या हो जाता है इसका OH और इसका H, तुम्हारा क्या बाहर निकल गया H2O और क्या बन गया बताओ RBr, पहले जान लो इसका नाम क्या हो जाएगा थोड़ा बताओ, तो ब्रोमो है ब्रोमो और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा अल्केन, अगर ये AIUPAC नाम लिखा, जब ब्रोमीन आगे लिखेगा तब, अगर पीछे लिखेगा ब्रोमीन का तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा अल्काइल अरे होगा और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा ब्रोमाइड, इस तरह से इसको भी लिख सकते हो कि अल्काइल क्लोराइड, समझ में आ रहा है, पहले ये सब एकदम छोटा छोटा बात नोट करते चलो, अल्कोहल में अगर HCl डालोगे ZnCl2 के प्रेजेंस में तो HCl और ZnCl2 को लुकास रिएजन कहते हैं, ये तुम्हारा H2O बन जाएगा और क्या हो जाएगा RCl बन जाएगा, RCl तुम्हारा क्या है तो क्लोरो अल्केन है, इसको अल्काइल क्लोराइड भी कह सकते हैं, इसमें HBr डाल देंगे तो ये क्या हो गया तो RBr हो गया, इसको हम ब्रोमो अल्केन कहते हैं, अल्काइल ब्रोमाइड कहेंगे, कोई दिक्कत, या फिर ब्रोमो अल्केन कहेंगे या फिर अल्काइल ब्रोमाइड,
इसमें क्या होता है कि एच आई तुम नहीं डाल सकते हो, होता क्या है एच आई का कंडीशन में थोड़ा सा हम बता देते हैं यहां पहले ध्यान दो, ये आर और ओ एच ठीक है, अगर एच आर आई डालते हो तो होता क्या है कि इसका साइज बहुत छोटा है, इसका साइज क्या है बहुत ज्यादा बड़ा, ये आपस में अनस्टेबल हो जाता है, आपस में झगड़ा करता रहता है, ये खुद कहता है कि नहीं भैया हम तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते हैं ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन बहुत छोटा है और ये आयोडीन क्या है बहुत बड़ा, ये आपस में, तो ये एक और आयोडीन आता है और ये भी छोटा और ये भी क्या है बड़ा, जिस तरह से इसके साथ झगड़ा हो रहा है उस तरह से इसके साथ भी झगड़ा हो रहा है, ये अपने आप को घमंड समझ रहा है हम तो बड़ा आदमी है ठीक है, ये बेचारा छोटा क्या करे परेशान है, तो ये छोटा छोटा कहा कि नहीं भैया अमर क्या होगा ये बड़ा के साथ सर्कल बेट अच्छा नहीं है, तो जो छोटा छोटा मिल गया बड़ा बड़ा मिल गया, तो ये तुम्हारा क्या बना लेता है एच टू, तो छोटा छोटा मिलकर एच टू ये स्टेबल हो जाता है बात समझ, और ये तुम्हारा क्या बना लेता है आई टू, ये भी तुम्हारा क्या हो जाता है स्टेबल, कहने का मतलब समझ में आ गया होगा, जब दोनों स्टेबल हो जाएगा काल रिएक्शन करेगा इससे, इसलिए ये एच आई तुम्हारा इसके साथ रिएक्शन नहीं करता, बात समझ में आ गया, बात समझ में आया क्या बोले, देखो एल्कोहल के साथ एच आई रिएक्शन नहीं करता है या नो रिएक्शन नहीं दोगे, क्यों इसलिए क्योंकि एच आई जो है वो खुद अनस्टेबल है, वो खुद अनस्टेबल नहीं है, जब अनस्टेबल इसके साथ रिएक्शन नहीं कर पाता है, ये क्या करता है अपने आप में ज्वाइन कर लेता है, जब हाइड्रोजन आयोडाइड तुम ले हुए तो अपने आप के मॉलिक्यूल के साथ ये क्या करता है हाइड्रोजन गैस निकालता है बाहर और आयोडीन निकालता है बाहर, कोई दिक्कत बात समझ में आ गया, तो ये खुद अनस्टेबल है, ये खुद अनस्टेबल, तो ये रिएक्शन इसके साथ कर नहीं पाता है, अस्टेबल फॉर्म में, समझ में आ गया, इसलिए हम लोग एच आई के जगह हम लोग क्या करते हैं के आई का यूज करते हैं, मतलब के का साइज थोड़ा देख रहा, देखो ऐसे भी लॉजिकली तुम समझ सकते हो क्या कि हाइड्रोजन ऊपर था उसके बाद कौन है लिथियम, उसके बाद कौन है सोडियम, उसके बाद क्या है पोटासियम, यहां से देखो हाइड्रोजन का साइज क्या था छोटा, इसको बढ़िया नहीं लगा, ये लिथियम का भी साइज उतना बहुत ज्यादा नहीं है, सोडियम का भी साइज बहुत ज्यादा नहीं है, हाँ पोटासियम का साइज इसका साइज थोड़ा सा क्या कर रहा है मैच कर रहा है, मतलब ये इसके काम बनने लायक है, इसका थोड़ा सा क्या होता है बॉन्डिंग ठीक रहता है और वो जाकर रिएक्शन करता है, बात समझ रहे हो, तो चलो ये सब थोड़ा जनरल बात हो गया जो बढ़िया से तुमको हम बताने की कोशिश की, ये सब बात लिख लिया ना, ये सब बात को हम थोड़ा सा साफ करें, चलो तो ये सब हम बात को थोड़ा साफ कर दिए, ये तुम लोग लिख लिया होगा ठीक है, अब यहां से देखो के आई का तो कुछ नहीं करना है, इसका ओ एच और इसका क्या के क्या कर देना बाहर के ओ एच, उसको हमको देखना ही नहीं, आर आई बन गया उसको देखना है, तो इसको क्या बोलेंगे बताओ आई टो, और क्या अल्क, अल्क कहने का मतलब नंबर ऑफ कार्बन और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो ये नाम थोड़ा सा जान के रखना आई टो, आई आगे आ गया, अगर मान लो आई पीछे रहेगा तो नाम क्या होगा, तो अल्क तो रहेगा नाम, और क्योंकि हाइड्रोजन हट गया तो क्या हो जाएगा आई, अल्क और क्या हो गया आयल, और इसका नाम क्या हो जाएगा आयोडाइड, ठीक है नाम क्या हो गया अल्काइल आयोडाइड, चलो अभी पूरा जेंडर बात तुमको सिखा देते उसके बाद नोट करते चलो, नोट करते चलो बिना दे इसको, नोट करो नोट करो नोट करो, मेन है नोट करना ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रख लेना कि अल्कोहल में के आई डालेंगे तो हम लोग के क्या हो जाएगा KOH और आर आई तुम्हारा बन गया, इसको हाइड्रो अल्केन भी बोल सकते हो या फिर अल्काइल आयोडाइड भी बोल सकते हो, इसका एग्जाम्पल सरेंगे अभी पहले ये लिख लो ठीक है, मेरा नहीं मिटा दे देखते चलो लिखते चलो, यही तो है कॉपी कलम लेके बैठना तभी उपाय है, नहीं तो कोई उपाय नहीं ठीक है, ये क्रैश कोर्स है जल्दी जल्दी बढ़ना है आगे ठीक है, इसमें क्या होता है कि यहाँ ध्यान दोगे ये अल्कोहल है ठीक है, अल्कोहल ये फास्फोरस क्या करता है, फास्फोरस का अपना एक केमिस्ट्री होता है, ये ऑक्सीजन को जितना ज्यादा से ज्यादा खींचने का कोशिश करता है, तो यहां देखा इसका यहाँ अल्कोहल में ऑक्सीजन और ये Cl3 बना है, तो इसका तो थोड़ा कमी है, तो कमी है तो क्या करता है ये ऑक्सीजन को खींचता है, ये कितना तो कितना Cl है 3 Cl है, ये 3 Cl को क्या करता है 3R को दे देता है, ये टोटल कितना को देता है 3R को, 3R को बात समझा, तो ये तुम्हारा क्या बन गया 3R और क्या हो गया Cl प्लस, ये क्या करता है ये 3 OH जो है वो फास्फोरस को दे देता है, तो ये तुम्हारा क्या होता है P और OH का हॉल 3, इसको तुम क्या कर सकते हो मॉडिफाइड करके लिख सकते हो, इसको मॉडिफाइड करके तुम क्या लिख सकते हो P, ये P पहले H कितना है तुम्हारा बताओ 3, तो 3 लिख दिया, P कितना है अकेला और वो कितना है 3, तो ये तुम्हारा क्या हो गया फॉस्फोरिक एसिड, ये तुम्हारा हम लोग क्या बोलते हैं ये फॉस्फोरिक एसिड है, फॉस्फोरिक फॉस्फोरस एसिड है, फॉस्फोरिक नहीं बोल सकते हो, इसको क्या बोलोगे फॉस्फोरस, ठीक है, तो ये चीज तुम्हारा हो गया फॉस्फोरस एसिड, ये थोड़ा दिमाग में तुमको क्या कर देना रख लेना है ठीक, आगे बढ़ जाए, अरे बढ़े बढ़ जाते हैं बढ़े, यहां से ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, ये तुम्हारा यहां जो बना है वो तुम्हारा 3 मोल ऑफ क्या बना है क्लोरो अल्केन, तो नाम क्या देगा इसका बताओ, ये वैसे इस पर डिपेंड नहीं करता, इसका खाली दिमाग में रखना क्लोरो अल्केन, क्या बन गया बताओ क्लोरो अल्केन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे तो अल्काइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं, अल्काइल और क्या क्लोराइड,
चलो हो गया, तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, आगे बढ़ जाए बढ़ जाए, इसको लिख लो लिख लो लिख लो जल्दी बना दे इसको, इतना टाइम नहीं है, एकदम वीडियो पॉज करोगे और लिख लोगे ठीक है, हम आगे बढ़ते चल जाएंगे, मिटाते भी चल जाएंगे। ये थोड़ा सा देखो इसमें क्या होता है कि देखो अगर PCl5 डाले हो तो इसका H और इसका Cl पहले बार हो जाता है, HCl बार हो गया प्लस एक Cl, तो यहां टोटल चार को Cl बचा ना, पांच में से एक चला गया था और चार बचा, अब चार में से एक क्या करता है आठ को ले भाग जाता है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया RCl बाहर निकल गया, बचा क्या है इसके पास तो P और Cl3, एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, तो यहां क्या रहता है POCl3, ये तुम्हारा बाहर निकल जाता है ठीक है। तो मेन तो मेरा टारगेट ये है, तो ये तुम्हारा क्या बन गया क्लोरो और अल्के, या फिर तुम बोल सकते हो अल्काइल और क्लोराइड, समझ आ गया। तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में तुमको क्या करना है रैंडमली रख लेना है ठीक है। अब देखना इसका एग्जांपल चलेंगे पूरा एकदम बढ़िया से चलेंगे। लास्ट तुम्हारा क्या है अल्कोहल से बनाने का तरीका कि SOCl2 डालो और क्या डालो पाइरिमिडीन डालो, ये तुम्हारा देखो यहां क्या करोगे इसका H और इसका Cl क्या करोगे HCl बाहर कर दोगे। देखो अब यहां से देखो एक सीएल, इसके पास दो सीएल था, एक सीएल बाहर निकल गया, एक सीएल बचा वो आर के लिए भाग गया, तो ये तुम्हारा क्या हो गया आर सीएल बन गया ठीक है। अब बचा क्या थोड़ा होता तो इसका एसओ और इसका एक और हो, तो ये तुम्हारा क्या हो गया एसओ टू गैस बन जाता है, ये भी बाहर निकल जाता है। तो सबसे प्योर फॉर्म है, प्योर फॉर्म में जो क्लोरो अल्केन बनता है बाबू, क्लोरो अल्केन बनता है सबसे ज्यादा प्योर, 100% प्योर नहीं कहा जा सकता लेकिन सबसे ज्यादा जो प्योर बनता है वो किस मेथड से बनता है, इसी मेथड से बनता है। बात समझ में आ गया बिल्कुल क्लियर है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं डार्जन प्रोसेस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ डार्जन प्रोसेस भी बोलते हैं, तो ये थोड़ा सा दिमाग में रख लेना ठीक है। अब यहां से देखो थोड़ा सा लैंग्वेज का बात करें, अगर लैंग्वेज लिखने के लिए आ जाए, वैसे यहां से लैंग्वेज लिखने नहीं आएगा तुम्हारा, लेकिन लैंग्वेज लिखने का बात करो तो कुछ नहीं, हम तुम लोगों को सिखाए थे या फिर तुम लोग जानते हो, क्या जानते हो कोई भी चीज है उसको वेन से शुरू करो, कोई भी रिएक्शन को वेन से शुरू करो, वेन अल्कोहल इज ट्रीटेड विद SOCl2, बस नाम जानने की जरूरत नहीं है बस काम करो ठीक है। वेन अल्कोहल इज ट्रीटेड विद SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन टू फॉर्म क्लोरो अल्केन ठीक है। वेन शुरू करो जो है वो तुम्हारा रहेगा, बाकी यहां से देखो अगर इसको कहोगे तो क्या कहोगे वेन अल्कोहल इज ट्रीटेड विद HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 टू फॉर्म क्लोरो अल्केन या फिर अल्काइल क्लोराइड, दिस रिएक्शन इज नॉन दिस रीजन पर लैंग्वेज तो कर लोगे, कोई दिक्कत है तो हमको लगता है यहां तक बात समझ में आ गया होगा कि अल्कोहल से कैसे बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, मिटा दे मिटा दे मिटा दे, चलो मिट गया। ये प्रिपरेशन का फंडा है बाबू, प्रिपरेशन का फंडा में थोड़ा सा बढ़िया से दिमाग लगाओगे, ये इसलिए रिएक्शन सारा हम क्लियर करा दे रहे हैं क्योंकि रिएक्शन पूछा जाएगा, हाँ एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा डालने का कोशिश करेगा, इसलिए थोड़ा सा दिमाग में रखोगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम्हारा क्या रहेगा ज्यादा। देखो ये तुम्हारा अल्कोहल से खत्म हो गया, अल्कोहल से क्या करोगे तो एक बार फिर से रिकैप करते हैं जल्दी जल्दी, देखो अल्कोहल से क्या करोगे अल्कोहल में तुम अगर HCl डालोगे और ZnCl2 भी डालोगे ठीक है, दूसरा क्या करोगे HBr भी डाल सकते हो, तीसरा क्या करोगे KID भी डाल सकते हो, चौथा क्या करोगे PCl3 डालोगे या फिर PBr3 डालोगे, PBr3 डालोगे तो ब्रोमो बनेगा Cl डालोगे क्लोरो बनेगा, PCl5 डाल सकते हो क्लोरो बनेगा, लास्ट में क्या SOCl2 और पाइरिडीन के प्रेजेंस में डाल सकते हो, पाइरिडीन के प्रेजेंस में कोई दिक्कत, इसमें जो बनेगा वो तुम्हारा क्या बनेगा प्योर क्लोरो अल्केन बनेगा, कोई दिक्कत। तो हमको लगता है ये अल्कोहल से तुम्हारा फ्रेश, अल्कोहल से एकदम एक एक बार दिमाग में बैठा लो, अल्कोहल से HCl ZnCl2 तुम्हारा क्लोरो अल्केन बनेगा, HBr में ब्रोमो अल्केन बनेगा, Ki में हाइड्रो अल्केन बनेगा, PCl3 में तुम्हारा क्या बनेगा क्लोरो अल्केन बनेगा, PBr3 में क्या बनेगा ब्रोमो अल्केन बनेगा, PCl5 में अगर करोगे क्लोरो अल्केन बनेगा, SOCl2 करोगे क्लोरो अल्केन बनेगा, लेकिन प्योर फॉर्म बनेगा बहुत बढ़िया बनेगा ठीक है। ये तुम्हारा हो गया अल्कोहल से। अब तुम्हारा दूसरा जो बात हो जाता है वो हो जाता है तुम्हारा एकदम बढ़िया समझना, बढ़िया समझना, दूसरा बात हो जाता है अल्केन से चलने का प्रोसेस, इसको बढ़िया से समझोगे ठीक है। अल्केन से, तो अल्केन मेरा क्या है ये देखो तो R और क्या H, ये तुम्हारा क्या हो गया अल्केन, ये क्या हो गया बताओ अल्केन। अब अल्केन क्योंकि सिंगल बॉन्ड है ना, दिस वन इज अ सिंगल बॉन्ड केन, सो अल्केन इसमें क्या डालते हैं हम लोग हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इसमें सनलाइट थोड़ा डाल, हीट भी कर सकते हो लेकिन सनलाइट, एच न्यू भी लिख सकते हो उसमें क्योंकि वही फ्रीक्वेंसी और तुम्हारा ये ठीक है फोटोन का एनर्जी है ठीक है। तो सनलाइट लिख दो, तो यहां से तुम्हारा क्या होता है इसका एच और इसका एक्स तुम्हारा क्या रहता है बाहर, और बाहर बच क्या रहता है आर एक्स, ये तुम्हारा क्या है हेलो अल्केन,
ये तुम्हारा क्या हो गया हेलो और अल्किन। जनरली एक्स के रूप में जो देखा जाएगा वो तुम्हारा एक्स के रूप में जनरली जो लोगे वो क्लोरीन को लोगे या फिर क्या लोगे ब्रोमीन को, ठीक है। फ्लोरीन और आयोडीन जनरली नहीं होता, इसलिए क्योंकि फ्लोरीन बहुत छोटा है और आयोडीन बहुत बड़ा है। इतना दिमाग में रखेगा, अभी ज्यादा रखने का चीज नहीं है, ठीक है। दिस वन इज अल्किन, दिस वन इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इसमें डालोगे सनलाइट, इसका एच और इसका एक्स बाहर हो जाएगा, एच एक्स बाहर, इसको हमको लेना देना नहीं है। मेन है तुम्हारा जो मेन प्रोडक्ट बन रहा है आर और एच, ये तुम्हारा हेलो अल्किन हो गया। इसका एग्जांपल अगर तुम देखोगे तो थोड़ा सा समझना, बढ़िया समझना। होता क्या है कि सनलाइट, सनलाइट मतलब धूप में रख देना है, यहां से कोई भी अगर यदि कंटेनर में तुम रिएक्शन कराते हो उसको धूप में रख देना, तो उसी को हम लोग सनलाइट कह रहे हैं। सनलाइट का परजीवी मतलब धूप में रख देना है, जैसे अचार बनाते ना, अचार बनाते ना, अरे सनलाइट सन धूप के गर्मी से करना होगा, ये थोड़ा सा दिमाग में रखना। जिस तरह से अचार बनाते हैं हम लोग क्या करते हैं कि आमड़ा हो या फिर आम हो या फिर नींबू हो उसको हम लोग भर के और क्या करते हैं छत पर रख देते हैं, धूप लगेगा तब होगा। ऐसा नहीं है कि जाके चूल्हा पर रख देते हैं, गर्म तो चूल्हा से भी होगा गर्म तो धूप से भी होगा, लेकिन चूल्हा पर रखोगे सीज जाएगा मतलब पक जाएगा, वो तो एकदम गजब हो जाएगा, लेकिन वहां रखोगे तो अचार बन जाएगा, समझ रहे हो। सो फोटोन मतलब ही सनलाइट से अलग रिएक्शन होता है, हीट एनर्जी से अलग रिएक्शन होता है, ये दिमाग में रख लेना। फिलहाल इतना दिमाग में नहीं रखने की कोशिश करोगे मत रखना, लेकिन इसको दिमाग में रखना कि अल्किन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा, सनलाइट डालोगे ये हेलो अल्किन बनेगा, कोई दिक्कत, बात समझ रहे हो। एग्जांपल इसका एकदम बढ़िया से दिमाग में रख लोगे, ये तुम्हारा मीथेन है, कौन है मीथेन, एक कार्बन में चार हाइड्रोजन, तो नाम क्या होगा बताओ मीथेन। मीथेन में अगर क्लोरीन मॉलिक्यूल डालते हैं किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, तो होता क्या है सनलाइट थोड़ा हीट करेगा इसको, तो हीट करेगा इसका एच और इसका एक्स बाहर हो जाएगा, तो माइनस एच एक्स एच सी एल तुम्हारा बाहर हो गया, ठीक है। एक सी एल तुमको जुड़ जाएगा, तो ये सी एच थ्री बन गया और यहां तुम्हारा क्या हो गया जुड़ गया CL। इसका नाम अगर लिखोगे तो देखो CH3 का नाम क्या थोड़ा बताओ, तो मिथ और आयल, मिथाइल और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा नाम क्लोराइड, तो नाम क्या हो गया मिथाइल और क्लोराइड। इसका एक और नाम लिखोगे तो नाम क्या हो जाएगा थोड़ा बताओ क्लोरो, CL को आगे लिखो तो क्लोरो और इसका एक एक कार्बन का मिथ और सिंगल बॉन्ड का क्या N क्लोरोमिथाइल, ठीक है। ये दो नाम होगा, या तो मिथाइल क्लोराइड करो या फिर क्लोरोमिथेन करो। होता क्या है कि अगर यदि क्लोरीन मॉलिक्यूल थोड़ा एक्सेस अमाउंट में ले लो और धूप में छोड़ दो रख ले रहो तो रिएक्शन आगे बढ़ जाता है, जब तक इसका हाइड्रोजन रहेगा तब तक रिएक्शन करता चला जाएगा। तो होता क्या है इसमें सीएल टू है ये है और इसमें सनलाइट भी तुम्हारा क्या कर रहा है लग रहा है, तो सनलाइट जैसे लग गया तो इसका एच और इसका एक और सीएल तुम्हारा एच सीएल बाहर हो गया, तो अब एक और सीएल जुड़ गया तो यहां क्या हो गया CH2 और सीएल भी कितना हो गया तो CH2 हाइड्रोजन एक और निकल गया ना, पहले 3 था एक हाइड्रोजन और निकला HCl बाहर हो गया क्योंकि इसमें CL2 है, तो CL2 में से एक CL और इसका एक H HCl बन गया, एक CL फिर जुड़ गया, पहले से एक CL था एक और जुड़ गया CL2 हो गया, इसमें CH2 हो गया। इसका नाम जो हो जाता है वो एकदम बढ़िया से दिमाग में रहता, इसको हम लोग बोलते हैं डाइक्लोरो मिथेन। नाम क्या हो जाएगा बताओ डाइक्लोरो मिथेन, कोई दिक्कत, ये थोड़ा सा दिमाग में रख लेना। अगर मान लो कि ये वाला देखो ये CH2 और CL2, अगर मान लो CL2 फिर से आई है और सनलाइट तुम्हारा और लग रहा है, ठीक है, तो यहां से क्या होता है इसका एक और H को तुम्हारा क्या करता है खींच लेता है, तो यहां से बच जाता है क्या CH, यहां दो को हाइड्रोजन था यहां एक हाइड्रोजन हो गया और ये HCl तुम्हारा बाहर निकल जाएगा एक हाइड्रोजन और CL का संख्या कितना हो जाएगा 3, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट बना इसको हम लोग क्या बोलते हैं ट्राइक्लोरो मिथेन। इसका एक खूबसूरत सा नाम है, ये खूबसूरत सा नाम देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म ये जनरली जानते हो क्लोरोफॉर्म एक ऐसा गैस है कि अगर वो स्प्रे कर नाक के पास अगर कर दोगे तो तुम कुछ देर के लिए वीडियो देखना बंद कर दोगे, मतलब यहां से ये बेहोश हो जाओगे, बेहोशी का ये गैस है, ठीक है, बेहोश हो सकते हो, ठीक है। आजकल का डाकू लोग क्या करता है अगर कोई किसी को किडनैप करना है तो इसका स्प्रे रखता है, मार दो भाई हो गया फिलहाल तुम लोग ऐसा नहीं करना। ये तुम्हारा ये क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म गैस जो होता है वो क्या करता है अगर यदि तुम किसी के नाक के पास उसका स्प्रे करते हो गैस को लाते हो तो वो बेहोशी की हालत में चल जाता है, तो ये क्लोरोफॉर्म इसको हम लोग बोलेंगे या फिर ट्राइक्लोरोमीथेन बोलेंगे, कोई दिक्कत। अभी एक हाइड्रोजन और बचा हुआ है, एक हाइड्रोजन इसका क्या किया हुआ है बचा हुआ है, ठीक है, इधर बेटा देखिए लिख लो जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो। CH4 था CL2 डाले सनलाइट डाले HCl, इसका एक हाइड्रोजन एक HCl निकल गया एक CL जुड़ गया, तो याद बच गया मिथाइल क्लोराइड कहेंगे या फिर क्लोरोमीथेन कहेंगे। CL2 फिर से रिएक्शन किया सनलाइट के प्रेजेंस में, एक और H और एक और CL तुम्हारा निकल गया एक CL जुड़ गया, यहाँ CH2 बचा CL2 बचा डाइक्लोरोमीथेन हो गया,
मीथेन हो गया, ठीक है। अब यहां से क्या किया कि CH2Cl2 था, Cl2 फिर से डाला और तुम्हारा समलाई डाला, ऐड किया, एक और हाइड्रोजन एक और Cl बाहर निकल गया और ये तुम्हारा CH और Cl3 हो गया, ट्राइक्लोरोमीथेन कहेंगे और इसका क्लोरोफॉर्म कहेंगे, ठीक है। अब इसमें ये बात तुम लोग थोड़ा सा लिख लिया होगा, हम मिटा रहे हैं, पढ़ रहा है, ये थोड़ा बात को दिमाग में रखोगे, इसको कंटिन्यूअस करके आगे बढ़ाओगे। यहां मान लो Cl2 फिर से और ये तुम्हारा क्या हो गया, सनलाइट हो गया, बताओ क्या हो गया, सनलाइट, इसको हीट कर दोगे तो इसका एक और एच और इसका एक और सीएल क्या हो जाएगा, HCl बाहर। अब एक कार्बन है और सीएल कितना हो गया, 4, नाम क्या हो गया, टेट्राक्लोरोमीथेन, नाम क्या हो गया, टेट्राक्लोरोमीथेन। टेट्राक्लोरोमीथेन का मतलब चार के लिए टेट्रा और क्लोरीन के लिए क्लोरो, एक कार्बन का मिथ और सिंगल बॉन्ड का एन, नाम क्या हो गया, टेट्राक्लोरोमीथेन। इसको और करके एक और खूबसूरत सा नाम लिखा जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, नाम क्या है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कोई दिक्कत तो फिलहाल ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रख लेना। ये तुम्हारा क्या है, अलगेन से प्रिपरेशन करने का मेथड, बात समझ रहे हो। चलो फिलहाल एक चीज और तुमको नोट बताते हैं, नोट को दिमाग में रखना, बढ़िया से दिमाग में रखना, ठीक है। नोट क्या है कि अगर तुम्हारा क्या है ये CH2 और ये तुम्हारा क्या है CH2 और ये तुम्हारा क्या हो गया CH3, ये प्रोपेन का तेल, तीन कार्बन का है तो तीन कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या हो जाएगा एन, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपेन का तेल, ठीक है। अगर मान लो इसमें Cl2 डालते हो और सनलाइट डालते हो तो ये कहां जाएगा और क्या बनाएगा, ये थोड़ा देखना। होता क्या है, ये कार्बन और ये कार्बन दोनों सेम है, क्यों, क्योंकि इसके पास भी तीन हाइड्रोजन है, इसके पास भी कितना हाइड्रोजन है, 3, तो दोनों सेम हुआ। लेकिन इस कार्बन को अगर देखोगे तो इसके पास कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, मतलब ये थोड़ा डिफरेंट है, बात समझा। तो होता क्या है, ये जो रिएक्शन करता है, इतने दिमाग में रखना, ज्यादा अभी फालतू चीज दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है, इतना दिमाग में रखना कि जो भी इसका पार्ट है वो लेस हाइड्रोजन में ज्यादा अटैक करेगा, लेस हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन आइटम पर ज्यादा अटैक करेगा। सो इसका जो सीएल है वो इस पर ज्यादा अटैक करेगा, क्योंकि लेस हाइड्रोजन, कम हाइड्रोजन है, इसके पास 3 हाइड्रोजन था, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, कम इसके पास है, क्लोरीन इसके पास अटैक करेगा, ज्यादा इसके पास भी करेगा लेकिन कम, बात समझ रहे हो। तो दो प्रोडक्ट बनेगा तुम्हारा, ये CH3 हो गया, ये CH हो गया, और यहाँ क्योंकि एक, अब तुम्हारा एक ही चीज जानते हो ना, एक हाइड्रोजन लेता है एक सीएल और एक बाहर निकलता है, तो एक हाइड्रोजन और एक सीएल निकल गया बाहर, तो ये बाहर हो गया HCl, तो एक सीएल जुड़ेगा, इस पर जुड़ा तो ये सीएल जुड़ गया और यहाँ क्या हो गया CH3, लेस हाइड्रोजन पर अटैक किया। एक और तुम्हारा अगर यदि बात करें तो क्या बन जाएगा, थोड़ा बताओ, तो ये CH3 और यहाँ क्या हो गया CH2 और यहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा CH2, इसका हाइड्रोजन एक भागा इसके साथ जुड़ा तो ये तुम्हारा सीएल हो गया, ठीक। अब तुम इसको गौर से देखो, हम अभी बताए थे कि लेस हाइड्रोजन पर ज्यादा अटैक करता है, बाकी मोर हाइड्रोजन पर थोड़ा कम करता है, ठीक है। तो लेस हाइड्रोजन पर अटैक जो किया वो तुम्हारा ज्यादा, तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट और ये तुम्हारा क्या बन जाएगा माइनर प्रोडक्ट, बस इतना दिमाग में रखना, माइनर, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। अब कहोगे सर इसका नाम प्रोपेन लिख दिया, इसका नाम क्या हो जाएगा, तो कुछ नहीं, देखो यहां से 1 और 2 और यहां क्या 3, 2 पर क्लोरो, तो यहां क्या हो जाएगा 2 क्लोरो और बाकी नाम क्या है प्रोप और सिंगल बॉन्ड एन। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम को जानना, इसका नाम क्या हो जाएगा, तो 1 2 3, इसका होगा 1 2 और क्या 3, 1 क्लोरो प्रोपेन। अब तुम लोग का सात्विक दिमाग जो है ना वो कम होगा, कहोगे आई सर इधर से काहे वन कर दी, इधर से काहे करेंगे, अरे ये ब्रांच है, ब्रांच को लोवेस्ट नंबर मिलेगा। ये सब अगर यदि बढ़िया से जानना है तो पहले मेरा वीडियो अपलोडेड है, कॉन्सेप्ट ऑफ या फिर IUPAC नॉमेनक्लेचर ऐसे करके कुछ है, तुम देख लोगे बढ़िया से, उसमें डील किया गया है, ठीक है। 1 क्लोरो और क्या प्रोपेन, ठीक है। लेकिन फिलहाल यही देख लो ना, उसको देखने की जरूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि क्लियर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है बेटा जी सर। तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रखना कि जब भी इस तरह का कंडीशन आएगा तो लेस हाइड्रोजन, जब भी दो हाइड्रोजन डिफर कर जाए तो लेस हाइड्रोजन वाला पर क्या करेगा, ज्यादा अटैक करेगा, ठीक है। एक और एग्जांपल हम तुमको दिखाते हैं, इसको समझ में आ गया, अल्केन से बनाने का मेथड, अल्केन से बनाने का मेथड एकदम बढ़िया से समझ लो, क्योंकि कोई उपाय नहीं है, बिना समझे कुछ नहीं कर सकते हो, बिना समझे तुम रट नहीं सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक जस्ट लाइक मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स से ही ऑर्गेनिक है, समझ रहे हो, मैथमेटिक्स को रट नहीं सकते, इसी तरह से तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी रट नहीं सकते, लैंग्वेज पेपर नहीं है बाबू, सारा कुछ रिएक्शन है, समझ बना पड़ेगा। सो यहां से देखो, अब तुम्हारा एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लो ये CH3 है, यहां क्या है CH3 है, यहां तुम्हारा क्या है CH3 है और यहां H है,
हाँ ठीक है CH3। इसमें हम लोग क्या करते हैं CL2 डालते हैं और ये तुम्हारा क्या बन जाएगा सनलाइट। ठीक है हीट कर दिया। इसमें क्या हो जाएगा देखो, इसका हाइड्रोजन का संख्या, इस पर हाइड्रोजन का संख्या और इस पर हाइड्रोजन का संख्या, तीनों पर जो हाइड्रोजन का संख्या है वो तुम्हारा क्या है सेम। तो ये तीनों पर हाइड्रोजन सेम है तो जाएगा, और इसका देखो ये बेचारा का डिफरेंट है, तो डिफरेंट है तो तुम्हारा क्या हो जाएगा जो क्लोरीन है वो अटैक करेगा तुम्हारा किस पर बताओ, किस पर अटैक करेगा लेस हाइड्रोजन पर। यहां क्या जाएगा CH3, ये तुम्हारा ऊपर में हो गया CH3, नीचे भी क्या हो गया CH3 और एक हाइड्रोजन और इसका और एक क्लोरीन इसका, बाहर निकल गया HCl और HCl छोड़ दिया, तो एक प्रोडक्ट ये बनेगा। और दूसरा प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा तो CH3CH, और किसी से जोड़ दो ना, मान लो ऊपर वाला से जोड़ दिए, इसका एक हाइड्रोजन हटा दो एक सीएल हटा दो, एच और सीएल बाहर निकल गया एक सीएल जोड़ दो, तो यहाँ से ऊपर वाला को थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ देखा CH2 और यहाँ क्या हो गया सीएल, अब बाकी यहाँ तुम्हारा CH3 पहले से बैठा हुआ था, कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये कम बनेगा और ये क्या बनेगा ज्यादा, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट। अब कहोगे सर नाम कैसे लिखे, तो नाम में सबसे पहला काम क्या होता है लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना, सबसे पहला काम क्या होता है लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना, दोनों में सिलेक्ट हो गया। उसके बाद होता है नंबरिंग करना, नंबरिंग जिधर से लॉन्गेस्ट नंबर मिले तुम्हारा ब्रांच, तो इधर देखो ब्रांच मिल रहा है तो इसको वन, इधर टू और इधर क्या थ्री। वन पर तुम्हारा क्या है क्लोरो, तो इसका नाम क्या देगा वन क्लोरो, बात समझ रहे हो। टू पर क्या मिल रहा है मिथाइल, तो टू मिथाइल, बात समझ रहे हो। और कार्बन टोटल कितना है तीन, तो तीन के लिए क्या देगा प्रॉप, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या देगा एन, तो नाम क्या हो गया थोड़ा बताओ वन क्लोरो टू मिथाइल प्रोपेन, क्लियर है बात समझ लो। इसका अगर नाम लिखोगे तो यहां से क्या हो जाएगा वन टू और क्या थ्री, टू पर क्या है क्लोरो, तो ये तुम्हारा टू क्लोरो हो गया, और टू पर क्या है तो ये CH3, ये देख रहे हो एक कार्बन। अभी कहोगे सर इसका नाम मिथाइल कैसे लिख देते, अरे एक कार्बन का क्या हो जाता है मिथ, और एक हाइड्रोजन हटा हुआ है टोटल चार होना चाहिए, लेकिन एक हाइड्रोजन तीन को दिख रहा है तो आई लिख देते दिस वन इज मिथाइल। ठीक है टू क्लोरो टू मिथाइल, और यहां देखो ये तीन कार्बन है तो तीन कार्बन का क्या हो जाएगा प्रॉप, तीन कार्बन का प्रॉप और सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ क्या जगह एम प्रोपेन। ठीक है तो नाम क्या हो गया बताओ, नाम हो गया तुम्हारा टू क्लोरो टू मिथाइल प्रोपेन, समझ मारे। तो इस तरह से तुम्हारा प्रोडक्ट बन जाएगा। ये तुम्हारा कहानी हुआ सिर्फ और सिर्फ किसका अल्केन का, अल्केन से बनाने का प्रिपरेशन, अल्केन से बनाने का मेथड तुम्हारा हम बता दिए। नेक्स्ट अगर यदि हम तुमको बताएं, लिखते चलो अल्केन से बनाने का मेथड, तो ये तुम्हारा क्या है अल्कीन से बनाने का बहुत बढ़िया मेथड। ठीक है ये देखो अल्कीन से बनाने का मेथड, ये हम तीन मेथड बताएंगे, कितना मेथड तीन मेथड। तीन मेथड में क्या है तुम्हारा देखो आर सी एच डबल बॉन्ड और क्या हो गया सी एच टू, दिस वन इज अल्कीन, ये तुम्हारा क्या हो गया अल्कीन। दूसरा जो तुम्हारा है ये फिर से हम अल्कीन ही लेते हैं आर सी एच डबल बॉन्ड और क्या सी एच टू, ये भी तुम्हारा अल्कीन है, और तीसरा भी अल्कीन। देखो यहां समझना क्या है, इसमें तुमको क्या करना है हैलोजन एसिड डालना है, क्या डालना है हैलोजन एसिड HX, हैलोजन एसिड इसको बिठा दे, इधर बिठा दे बाबू। ठीक है एकदम लिखते चलो, एकदम हर एक बात को लिखो, और जहां डाउट लगे ना तो तुम कमेंट करके बताओ सर ये नहीं समझ में आया, हम फिर से डाउट क्लियर करेंगे, क्योंकि तुम्हारा मार्च जो तुम्हारा है वो पूरा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने का है, और तुम्हारा अप्रैल जो है पूरा डाउट क्लियर करने का है, कॉन्सेप्ट क्लियर डाउट क्लियर सब खत्म, तबाह कर दोगे एग्जाम को, धास दोगे, धास देना है तुमको, ए टू जेड टॉपिक को क्लियर करना है, जो तुमको लगे कि नहीं सर ये छोड़ के बढ़े आगे तो हम अपने तरफ से कोशिश कर तो करेंगे कि सबका भरपाई करें, लेकिन लगे ये अगर यदि पढ़ जाते तो और अच्छा से मार्क्स ला सकते थे तो वो कमेंट करके बताओ, वो टॉपिक को कमेंट करके बताओ, हम डिटेल चर्चा करेंगे। ठीक है फिलहाल देखो आगे, तो यहां से तुम्हारा क्या हो गया ये तो इसको क्या कहते हैं हम लोग हैलोजन एसिड, क्या कहते हैं बताओ हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड तुम्हारा कौन कौन हो सकता है, जैसे HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है, बस समझो। ये आप कहोगे सर HF तो है, अरे HF जल्दी टूटता नहीं है, ये जल्दी थोड़ा सा टूटता है, ये सबसे जल्दी टूटता है, ये थोड़ा सा टूटता है, ये टूटता है, बस समझो। ये सब जल्दी जल्दी टूट जाता है, थोड़ा सा ये ज्यादा टूटता है, ये थोड़ा कम, ये थोड़ा कम, ये बहुत कम, इतना टूट भी नहीं करता है, बस समझो। ये नहीं डालोगे, ये तीनों डालोगे। ठीक है तो होता ये है कि इसमें जब डाल देते हैं तो रिएक्शन क्या करता है, ये थोड़ा देखो रिएक्शन क्या करता है, ये एक्स के जगह सीएल बी आर और आई होगा, एफ नहीं होगा। ठीक है तो ये हैलोजन एसिड, तो रिएक्शन क्या करता है देखो, अगर इसका देखा जाए एच और एक्स में, तो एक्स तुम्हारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये नेगेटिव पार्ट हुआ, और ये क्या हुआ पॉजिटिव पार्ट, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये नेगेटिव पार्ट हुआ, ये क्या हुआ पॉजिटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट दिस वन इज पॉजिटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव पार्ट, पता चल गया एच एक्स है, इसका नाम क्या है हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड में कौन HCl होगा, HBr होगा, क्या होगा HI, HF भी होगा, लेकिन HF इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ये जल्दी टूटता ही है। ठीक
लेकिन अब यहां से तुम एक चीज और देखो कि HX में तुम्हारा क्या है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पर कौन सा चार्ज होगा? पार्शियली नेगेटिव। पार्शियली नेगेटिव तो इस पर क्या होगा? पार्शियली पॉजिटिव। कहीं ना कहीं नेगेटिव पार्ट हुआ, ये कहीं ना कहीं क्या हो गया? पॉजिटिव पार्ट हुआ। बात समझ रहे हो? तो यहां से क्या होता है कि अभी बताए थे कि नेगेटिव पार्ट जो है, नेगेटिव पार्ट वो क्या करता है? लेस हाइड्रोजन को ज्यादा प्रिफर करता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। ये सब फालतू बात कुछ मत जानो, सिर्फ ये जानो कि लेस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, और ये तो लेस हाइड्रोजन पर ये चला गया तो ये बॉन्ड टूटेगा ना, तो क्योंकि एक सिग्मा और एक पाई है, वो सब भी मत जानो। तुम यहां से क्या करोगे, ये बॉन्ड को हटा देना, ठीक है, और इसको खाली जोड़ देना है। तो एक्स को तुम्हारा कहां चला जाएगा? लेस हाइड्रोजन में। तो तुम्हारा एच कहां चला जाएगा? मोर हाइड्रोजन में। तो कुल मिलाकर जो तुम्हारा बनेगा आर सी एच, इसके साथ कौन जुड़ गया बताओ? एक्स। यहाँ क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड। यहाँ सी एच टू, हाइड्रोजन दो था, एक और चला गया, क्या हो जाएगा? CH3। ये तुम गौर से देखोगे, इसको हम लोग हेलो एल्केन कहते हैं। क्या कह रहे हैं? हेलो, दिस वन इज हेलो और दिस वन इज एल्केन, सो हेलो एल्केन। कोई दिक्कत? बात समझ में आ गया? बात समझ रहे हो? ठीक है। दूसरा बात अगर हम करें, यहां से क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ HBr, ना ही HCl, ना ही, ये पता चल गया ना, ठीक है, HBr। और इसके प्रेजेंस में क्या ले लेते हैं? परऑक्साइड। क्या लेते हैं? थोड़ा सा परऑक्साइड। बात समझ रहा है एकदम? यहां से क्वेश्चन 100% आता है, इसलिए दिमाग में रखो। सिर्फ HBr, HCl नहीं। अगर HCl रहेगा और परऑक्साइड तो कोई इफेक्ट नहीं, वो लेस हाइड्रोजन पर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। HI रहेगा और परऑक्साइड डालोगे तो वो लेस हाइड्रोजन पर जाएगा। लेकिन HBr के साथ कैसा घटना घटा कि परऑक्साइड जैसे डाला गया तो वो हुआ क्या कि ये तुम्हारा जो नेगेटिव पार्ट है, ये जो नेगेटिव पार्ट है वो मोर हाइड्रोजन पर अटैक, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन ऑटोमेटिक वहां चल जाएगा, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? CH, वहां H था, एक हाइड्रोजन गया तो CH2 हो गया, सिंगल बॉन्ड। यहाँ CH2 था, एक Br तुम्हारा हो गया, तो यहाँ Br जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत। ये तुम्हारा ओनली ब्रोमो एल्केन बनेगा, ये तुम्हारा क्या बनेगा? ब्रोमो एल्केन। और ये तुम्हारा क्या बना? हेलो एल्केन। कहोगे क्या मतलब है सर, हेलो एल्केन भी तो ब्रोमो एल्केन है। अरे हेलो एल्केन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्लोरीन भी बन सकता है, ब्रोमीन भी बन सकता है, आयोडीन भी बन सकता है, मतलब क्लोरो एल्केन भी बन सकता है, ब्रोमो एल्केन भी बन सकता है, हाइड्रो एल्केन भी बन सकता है। लेकिन यहां सिर्फ तुम्हारा क्या बनेगा? सिर्फ और सिर्फ ब्रोमो एल्केन बनेगा, कोई दिक्कत? बात समझ में आ गया? चलो अब कहानी जो ये तुम देखा कि एल्किन के साथ HX डालेंगे तो वो बनेगा, अल्किन के साथ HBr डालेंगे इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड तो वो बनेगा, ठीक है, जो भी, ये ब्रोमो एल्केन बनेगा, यहां हेलो एल्केन बनेगा, हेलो एल्केन में क्लोरो ब्रोमीन और आयोडीन, ये तुम्हारा हो गया। अगर यदि इस तरह का कंडीशन हुआ, इस तरह का रिएक्शन को जानते हो क्या कहा जाता है? इस तरह का रिएक्शन को कहा जाता है मार्कोनिव, मार्कोनिकॉप्स रूल। इसको कहा जाता है मार्कोनिकॉप्स रूल, कि नेगेटिव पार्ट हमेशा कहा जाएगा? लेस। और ये कब क्या कराता है? क्योंकि ये देखा गया किसका, कि परऑक्साइड डाले, इसलिए ना परऑक्साइड डाले, अगर परऑक्साइड नहीं डालते तो ये लेस हाइड्रोजन में जाता, परऑक्साइड डाले इसलिए परऑक्साइड का ही इफेक्ट है, इसीलिए इसको कहा दिया जाता है क्या? परऑक्साइड इफेक्ट। सबसे पहला बात क्या कहा गया? परऑक्साइड इफेक्ट। अब क्वेश्चन ये उठता है परऑक्साइड ये कोई दिया होगा तो इसको देने वाला जो था वो कौन था? खारास नाम का आदमी, तो इसको थोड़ा क्या बोल दिया जाता है? खारास इफेक्ट भी कहा जाता है। ये खरास इफेक्ट भी कहलाता है क्योंकि ये मार्कोनिकॉप्स रूल का एंटी ना बन गया रे, एंटी मतलब दुश्मन ना बन गया। ये कहता था ना भैया लेस हाइड्रोजन पर जाता है, ये कहता ना है मोर हाइड्रोजन पर जाता है। बस समझ रहे हो? तो कुल मिलाकर ये क्या कहलाता है? एंटी मार्कोनिव, मार्कोनिकॉप्स रूल, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। तो हमको लगता है यहां तक बात समझ में आ गया होगा कि मार्कोनिकॉप्स रूल किसको बोलेंगे, एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल किसको बोलेंगे। फिलहाल एक चीज तुमको पता होगा। अब क्वेश्चन उठता है सर लैंग्वेज कैसे बनाएंगे, लैंग्वेज तो हम जानते नहीं है, ये सब तो हम ठीक है, ये सब समझ गए सर, लैंग्वेज में कैसे बनाएंगे? अरे लैंग्वेज में कोई दम है, इसको मिटा दे, मिटा दे, अरे मिटाए, हाँ मिटा दे, लैंग्वेज बनाने सिखा देते, बस तुम लोग अपने से लिख सकते हो, ठीक है, लैंग्वेज तुम बना सकते हो, लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, जो भी करना है कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल देखो यहां से समझो, ये तुम्हारा R और S था, डबल बॉन्ड, यहाँ H2 था, CH2 था, यहां तुम्हारा क्या हो गया? HX डाल दिया, ठीक है, कोई प्रदेश में। तो क्या करोगे? देखो वेन हम बोले थे कि वेन से शुरुआत करना है, तो वेन अल्कीन इज ट्रीटेड विथ हाइड्रोजन एसिड, वेन अल्कीन इज ट्रीटेड विथ, यहां लिख देते हम थोड़ा, वेन अल्कीन, अल्कीन इज ट्रीटेड विथ बोलो क्या, हैलोजन एसिड मतलब HX, देन तब नेगेटिव पार्ट ऑफ HX
एच एक्स का नेगेटिव पार्ट मतलब एक्स, नेगेटिव पार्ट ऑफ एच एक्स अटैक ऑन, अटैच भी लिख सकते हो, अटैच ऑन लेस हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन एटम ऑफ अल्किन। बात समझ में आया? ये क्या कहा गया कि व्हेन अल्किन इज ट्रीटेड विद एचएक्स, अल्किन को किस साथ रिएक्शन किए, एचएक्स मतलब हाइड्रोजन एसिड के साथ, तब तब क्या हुआ, नेगेटिव पार्ट जो है एचएक्स का वो अटैच हो गया कहां पर, लेस हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन एटम पर। ये देखो ये अल्किन है तो लेस हाइड्रोजन कंटेनिंग मतलब ये लेस हाइड्रोजन है, ये मोर हाइड्रोजन क्योंकि ज्यादा हाइड्रोजन इस पर कम है, लेस मतलब समझ रहे हो, ठीक है, ऑफ अल्किन एंड फॉर्म हेलो अल्किन। और क्या बना देता है बताओ, हेलो अल्किन बनाता है। दिस टाइप ऑफ रूल इज नोन एज मार्कोनिकोफ्स रूल, इसी रूल को हम लोग क्या कहते हैं, मार्कोनिकोफ्स रूल भी कहते हैं। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गया, चलो जल्दी जल्दी लिख लो, जल्दी 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 लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, बात समझ में आ गया ना। अब इसका एग्जाम्पल थोड़ा देखे तो देखो, मार्कोनिकोफ्स का एग्जाम्पल थोड़ा देख लो, यहां समझना, ये देखो ये जैसे CH3 हो गया, यहां CH हो गया यहां डबल बॉन्ड, और यहां क्या हो गया CH2, डबल बॉन्ड है, तीन कार्बन है, तीन कार्बन का क्या हो जाएगा प्रॉप, और डबल बॉन्ड के लिए क्या हो जाएगा इन, नाम क्या हो गया प्रोपीन, ठीक है। अगर मान लो इसमें HCl डाल देते हो, क्या डालते हो HCl, तो रिएक्शन क्या करेगा, तो नेगेटिव पार्ट कहां अटैच होगा, लेस हाइड्रोजन कंटेनिंग में, और ये बाकी हाइड्रोजन ऑटोमेटिक चल जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो गया CH3, और यहां तुम्हारा क्या हो गया CH, और यहां क्या जुड़ गया Cl, और यहां क्या हो गया तो CH2 पहले था, एक हाइड्रोजन और गया CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, तो ये तुम्हारा तीन कार्बन है, लेकिन ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, 2 पर क्या जुड़ा हुआ है क्लोरो, तो 2 क्लोरो और तीन कार्बन का प्रॉप और सिंगल बॉन्ड है इसलिए N, नाम क्या हो गया 2 क्लोरोप्रोपेन। बात समझ में, तो ये सब थोड़ा सा दिमाग में तुम क्या कर सकते हो, बात को रख सकते हो, हमको लगता है ये समझ में आ रहा होगा। और भी अगर थोड़ा सा एग्जांपल दे, जैसे मान लो दिस वन इज साइक्लो, यहां से देखो ये सब मान लो एग्जांपल दे, ठीक है, ये तुम्हारा देखो ये CH3 है, ये C है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ CH2 है, यहाँ CH3, इसका एग्जांपल देखो, अगर मान लो इसमें तुम HBr डालते हो लेकिन कोई प्रेजेंस में नहीं डाले हो, तो ये देखो नेगेटिव पार्ट कहाँ अटैक करेगा बताओ, लेस हाइड्रोजन कंटेनिंग, लेस हाइड्रोजन, तो देखो ये ना तुम्हारा अल्किन पार्ट है, अल्किन पार्ट में इसमें हाइड्रोजन 2 है, लेकिन अगर वो है ही नहीं है तो कम अगर ना है तो कहां जाएगा Br, तो Br अटैक करेगा इस पर, बस समझ रहे हो, तो बनेगा क्या देखो, तो CH3C, और यहां सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यहां CH2, और ये हाइड्रोजन यहां चल जाएगा, हाइड्रोजन यहां चल जाएगा, यहां क्या जाएगा CH3, ये तुम्हारा CH3 हो गया, और यहां तुम्हारा क्या जुड़ गया Br, तो ये तुम्हारा हो गया, इसका नाम लिखोगे तो नाम कैसे लिखोगे बताओ, तो नाम लिखोगे तो ये तुम्हारा देखो एकदम बढ़िया से, ये तो घेरा बंदी हम कर दिए तो पहले ही, लेकिन नाम कैसे लिखोगे, ये बता चुके हैं रे, ये लॉकेज चेंज हुआ, ठीक है, लॉकेज तो यहाँ काउंटिंग करोगे 1, 2 और क्या 3, 2 पर ब्रोमो और 2 पर मिथाइल, नाम क्या लिखेगा 2 ब्रोमो, इसका नाम देखो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, है ना 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, इधर लिखना 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, और क्या हो जाएगा बताओ, 3 कार्बन का क्या हो जाएगा प्रॉप और सिंगल बॉन्ड का क्या हो जाएगा एन, नाम क्या हो गया 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, जिसको नहीं दिख रहा होगा ना, अगर नहीं दिख रहा होगा तो जो सुन रहा है उसके हिसाब से दिख लेना, ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में तुमको क्या करना है रख लेना। चलो यहां से हमको लगता है मार्कोनिकोफ्स रूल को तुम बढ़िया से समझ सकते हो, बढ़िया से पढ़ सकते हो, बढ़िया से समझ सकते हो, जो करना करो कर सकते हो, फिलहाल बिठा दे, ये तुम्हारा लैंग्वेज दिखा गया, व्हेन अल्किन इज ट्रीटेड विद HX then the negative part of HX attach on less hydrogen containing carbon atom of alkene and form halogen, so तुम समझ रहे हो, ठीक है। अब यहां से देखो, समझना, यहां क्या करते हैं कि अल्किन में अब HBr only, सिर्फ HBr, सिर्फ HBr, और यहां क्या आ गया peroxide, ये तुम्हारा क्या आ गया peroxide और dioxide, ठीक है, peroxide आ गया, तो यहां क्या करोगे, ये अल्किन है तुम्हारा, ये तुम्हारा कौन है अल्किन, वहां HBr डाल दिए, परऑक्साइड डाल दिए, क्या करेगा, तो ये तुम्हारा मोर हाइड्रोजन पर जाएगा, तो मोर हाइड्रोजन पर जाएगा तो यहां से क्या आ जाएगा थोड़ा बताओ, ये मोर हाइड्रोजन पर गया तो ये तुम्हारा RCH2 हो गया, यहां CH2, और ये तुम्हारा क्या हो गया ब्रोमो अल्किन बन गया, इसका लैंग्वेज कैसे लिखोगे बताओ, तो व्हेन अल्किन इज ट्रीटेड विद HBr ओनली, लिख लो, हम लिखेंगे नहीं, लिख लो, व्हेन अल्किन इज ट्रीटेड विद HBr ओनली इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, देन द नेगेटिव पार्ट ऑफ HBr अटैक ऑन मोर हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन एटम ऑफ अल्किन एंड फॉर ब्रोमो अल्किन ओनली, क्या बनेगा ब्रोमो अल्किन,
दिस टाइप ऑफ रूल इज नोन एज, या फिर दिस टाइप ऑफ इफेक्ट इज नोन एज परऑक्साइड इफेक्ट. दिस टाइप ऑफ रूल इज नोन एज एंटी मार्कोनिकोव्स रूल. दिस टाइप ऑफ इफेक्ट इज नोन एज खारास इफेक्ट. ये तीनों नाम से जाना जाता है. खारास इफेक्ट पूछे चाहे एंटी मार्कोनिकोव्स रूल पूछे या फिर तुम्हारा क्या परऑक्साइड इफेक्ट पूछे, ये तुम यही लिखोगे. समझ में आ गया? तो हमको लगता है अल्किन से कहानी खत्म. बिल्कुल कहानी खत्म हो गया. अब आगे थोड़ा बढ़ जाते हैं. मिटा दे इसको. अरे मिटा दे, मिटा दे, दे, देखो. अब तीसरा अल्किन से ही तीसरा. पहला हो गया मार्कोनिप्स, दूसरा हो गया एंटी मार्कोनिप्स, तीसरा तुम्हारा क्या है एडिशन ऑफ हैलोजन मॉलिक्यूल. अगर मान लो ये तुम्हारा क्या है डबल बॉन्ड CH2, ये लैंग्वेज इसका नहीं पूछा जाता. लैंग्वेज तुम्हारा मार्कोनिप और एंटी मार्कोनिप्स का पूछा जाएगा, इसका लैंग्वेज नहीं पूछा जाएगा. ठीक है, यहां से तुम्हारा देखो ये तुम्हारा क्या करना है, हैलोजन मॉलिक्यूल को ऐड करना है. ठीक है, या तो तुम धूप में नहीं रख सकते हो, डार्क मीडियम में रखो, डार्क मीडियम में, या फिर CCl4 डाल दो. CCl4 मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड डाल दो. ठीक है, तो ये दोनों में से कोई, धूप में, धूप मतलब डार्क में ही रखना है, डार्क में रखो और CCl4 इन प्रजेक्ट में डाल सकते हो या फिर डार्क में रख सकते हो. ठीक है, तो ये दोनों क्या करता है, उठता है यहाँ एड हो जाता है. तो ये आर और यहाँ CH, यहाँ एक एक्स हो गया और यहाँ CH2, एक एक्स यहाँ होगा. तो ये हो गया तुम्हारा डायहेलो अल्किन. एक हेलो, दो हेलो, वन टू डाई हेलो अल्किन, वन टू डाई. डाई मतलब दोनों सेम है ना इसलिए. और ये तुम्हारा क्या हो गया हेलो, और ये तुम्हारा अल्क हो गया नंबर ऑफ कार्बन और सिंगल बॉन्ड के लिए है. नाम क्या हो गया, वन टू डाई हेलो अल्किन. कोई दिक्कत, बात समझ रहे हो? अब कहोगे सर इसका एग्जांपल, तो एग्जांपल इसका देख लो. एग्जांपल अगर मान लो ये CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड CH2 है, तो इसका नाम क्या है बताओ, प्रोपीन. अरे नाम क्या है, प्रोपीन. इसमें अगर क्लोरीन मॉलिक्यूल डाल दिया और यहां से तुम क्या कर दिया, डार्क मीडियम रखते हो. ठीक है, सनलाइट डाल नहीं सकते, डार्क मीडियम रखना होगा. तो ये तुम्हारा यहां से दोनों जुड़ जाएगा. तो ये तुम्हारा क्या हो गया CH3, ये CH, और यहां CL जुड़ जाएगा. यहां भी क्या होगा CH2 और यहां भी CL, 1 2. तो 1 2 क्या हो जाएगा, डाई क्लोरो. और तीन कार्बन का क्या हो जाएगा बताओ, प्रॉप. बात समझ रहे हो? सिंगल बॉन्ड का क्या हो जाएगा, एन. नाम क्या हो गया बताओ, 1 2 डाई क्लोरो प्रोपेन. बात समझ रहे हो? तो हमको लगता है ये भी तुम समझ चुके हो या फिर समझ रहे हो. ठीक, बिल्कुल समझ में आ गया. तो यहां से इसको एकदम बढ़िया से तुमको क्या कर लेना है, दिमाग में बैठा के रख लेना है. देखो एक चीज होता है, मन नहीं लगता है पढ़ने में, बहुत टेंशन है, बहुत डिप्रेशन में है, बहुत टेंशन हो रहा है, क्या लोड है, एग्जाम बहुत जल्दी आ रहा है. अरे एग्जाम आ रहा है, एग्जाम कोई तुमको बसेर नहीं आ रहा, बाक नहीं आ रहा, तुमको खा जाएगा. कॉन्फिडेंस में रहो, पूरा फुल कॉन्फिडेंस में रहना है तुमको. क्या फिर हम पढ़ रहे हैं तो हम लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया से लिख सकते हैं. जितना भी तुम पढ़ते हो, चाहे जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, बस फुली कॉन्फिडेंस में पढ़ो कि जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसको हम लिख के आ सकते हैं. यही तुम्हारा काबिलियत को संकेत करता है. अगर वो चीज पर तुम घबराओगे या फिर टेंशन लोगे, एग्जाम आएगा, अरे पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा, इससे क्या होगा तुमको, वो चीज तुमको लाना ही नहीं है दिमाग में. तुमको ये कॉन्फिडेंस लेके चलना है कि हम पढ़े हुए हैं, हम पढ़ रहे हैं, तो हम लिख के आएंगे, बस 100%. बाकी ये फालतू गिरी छोड़ दो, पढ़ना शुरू कर दो, बस फालतू सोचना ही नहीं है. टाइम तुम्हारे पास बहुत कम है, टाइम तुम्हारे पास बहुत कम है, या फिर कह सकते हो टाइम बहुत ज्यादा है. कभी सभी दोनों कह रहे हैं टाइम तुम्हारे पास कम है, इसलिए अगर तुम ये सब सोचते रहोगे कि हम क्या कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, इसी में टाइम तुम्हारा भी चला जाएगा. लेकिन तुम ये लगातार अगर देख रहे हो तो सिर्फ खाली देखते चलो और पढ़ते चलो, रिविजन करते चलो, बार बार रिविजन करते चलो, बार बार रिपीट करते चलो, टाइम बहुत है. एक महीना बहुत है, पूरा ऑर्गेनिक को धो सकते हैं, पूरा केमिस्ट्री को धो सकते हैं, पूरा मैथ को धो सकते हैं. बात समझ रहे हो? और ये गारंटी जब हम तुमको लिए कि हम सारा चीज तुम्हारा क्लियर कराएंगे, A to Z टॉपिक क्लियर कराएंगे, तो फिर टेंशन लेने की क्या जरूरत है. बिंदास रहो, मजे रहो, मजे में करो, खाली पढ़ते चलो ना, मजे में पढ़ो, फील लाओ, फिर हाँ पढ़ना है, बस मजे में पढ़ो, टेंशन मत लो. फिलहाल यहां तक तो ये चीज थोड़ा सा हम तुमको हम बता दिए, यहां तक तुमको तुम्हारा क्लियर हो गया. जो चीज नहीं समझ में आ रहा होगा एकदम बताओ, क्योंकि वो चीज हम बताएंगे, फिर से बताएंगे, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है. खाली पढ़ते चलो, खाली पढ़ते चलो, जहां भी तकलीफ हो वो तकलीफ को शेयर करो, तकलीफ का दूर करने का काम मेरा. फिलहाल ये चीज तुमको हम बता दिए, आगे हम तुमको हम थोड़ा सा बता देते हैं. देखो ये बात तो तुम्हारा हो गया डार्क मीडियम ये अल्किन के साथ हो जाता है. ठीक है, थोड़ा सा बताते हैं तीसरा नेक्स्ट अल्काइन. ये तुम्हारा हो जाता है अल्काइन. अल्काइन के साथ क्या होगा, अल्काइन कहने का मतलब कि ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन के साथ. ठीक है, ये ट्रिपल बॉन्ड. अगर मान लो कि इसमें तुम क्या डालते हो, वही वाला कहानी, ये तुम्हारा क्या है कि HX अगर डालते हो, ठीक है, तो HX अगर डालते हो तो नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा, लेस हाइड्रोजन में कहां जाएगा बताओ,
लेस हाइड्रोजन में, तो लेस हाइड्रोजन में कैसे जाएगा, तो आर हो गया और यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा, लेस हाइड्रोजन में गया एक बॉन्ड टूटा पहले, तो यहां एच जुड़ गया, अरे जुड़ गया ना, तो यहां डबल बॉन्ड हो गया, यहां सी एच था एक हाइड्रोजन चला गया तो सी एच टू हो गया। फिर से अगर तुम एच एक्स डाल देते हो तो ये तुम्हारा फिर से लेस हाइड्रोजन में जाएगा, मतलब इसमें जुड़ जाएगा, तो कुल मिलाकर क्या बन जाएगा आर, और एक ऊपर एक्स तो था और ये तुम्हारा क्या होगा नीचे एक्स, और यहाँ सिंगल बॉन्ड, और यहाँ क्या हो जाएगा सी एस थ्री, क्योंकि एक एच तुम्हारा फिर से यहाँ जुड़ गया, तो ये तुम्हारा क्या बन गया डाई हेलोअल्किन, ये तुम्हारा क्या हो गया डाई हेलोअल्किन, वन टू 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 डाई हेलोअल्किन, समझ रहे हो बात समझ में आ रहा है, क्लियर है, ये तुम्हारा नाम क्या हो गया टू टू डाई हेलोअल्किन, ठीक है। अब यहां से कहानी जब एच एक्स डालोगे तब, मतलब हाइड्रोजन एसिड डालोगे तब, ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया ये पैरामीटर हो गया कि अल्काइन में अगर हाइड्रोजन एसिड डालेंगे तो क्लोरीन भी डाल सकते हो, ब्रोमीन भी डाल सकते हो, आयोडीन भी डाल सकते हो, कोई भी डालो ना सब रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये वन टू डाई हेलोअल्किन, ये वर्बली, ये यहां से पूछा नहीं जाता क्वेश्चन, लेकिन दिमाग में रख लो ये बढ़िया से, ठीक है, ये अल्किन वाला एकदम पूछा जाएगा एकदम वहां से, तो ये वर्बली तुमको दिमाग में रख लेना है, ये बॉन्ड टूटता जाएगा और जुड़ता जाएगा, तो नेगेटिव पार्ट हमेशा लेस हाइड्रोजन में जुड़ता है, इसलिए लेस हाइड्रोजन में जुड़ा, यहाँ डबल बॉन्ड बनता है, फिर से नेगेटिव पार्ट कहां जुड़ेगा लेस हाइड्रोजन में, ये बन जाएगा तुम्हारा, ठीक है, ये तुम लोग जानते हो, इसको मिटा दे, इधर तुम लोग लिख लिया होगा, जल्दी जल्दी लिखो और फुल एनर्जेटिक में रहो, डिप्रेशन का शिकार मत बनो रे, अभी तुम्हारा जानते हो यही तुम्हारा एक महीना है जो तुम्हारा लाइफ को चेंज कर देगा, यही तुम्हारा एक महीना, अरे पूरा साल भर पढ़ने वाला स्टूडेंट जो है ना, पूरा साल भर पढ़ने वाला, पूरा साल पढ़ा, पूरा साल पढ़ा, एक महीना अगर सो जाएगा ना कुछ नहीं कर पाएगा, और रिजल्ट उसका ऐसा आएगा ना कि उसको देखते शर्म लगेगा, कहेंगे ये ये एक साल मेहनत किया ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, बात समझ रहे हो, इसलिए इसलिए एक महीना ये जो है ना समय मेहनत करो, पूरा साल भर का भरपाई तुम्हारा ये एक महीना कर सकता है, ये गारंटी हम दे रहे हैं, हम, अगर तुम बढ़िया से करोगे तो, बाकी नहीं करने के लिए तो फिर कोई उपाय नहीं है बाबू, ठीक है, नहीं करोगे तो फिर कोई उपाय नहीं। चलो फिलहाल आगे हम थोड़ा सा देख रहे हैं और बढ़िया से थोड़ा सा समझना, बढ़िया से देख लेना, अल्काइन वाला हो गया जब एच एक्स रहेगा तब, ये कंडीशन नंबर वन हो गया, ठीक है, अगर मान लो कंडीशन नंबर टू ये सी ट्रिपल बॉन्ड और तुम्हारा क्या हो गया सी एच, कंडीशन नंबर टू क्या इसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डाल दिया, क्या डाल दिया बताओ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तुमको क्या बताए थे अरे ये दोनों जाएगा जुड़ जाएगा है ना, तो एक बॉन्ड तोड़ेगा ये दोनों जुड़ जाएगा, तो ये तुम्हारा क्या हो गया आर, और यहाँ क्या हो गया सी, और यहाँ एच, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ सी एच टू हो गया और यहाँ एच हो गया सी एच टू नहीं है, ऐसे करके मान लो कि फिर से एक हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड एक और बैठा हुआ है, तो फिर से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डालते हो, तो यहाँ क्या हो जाएगा आर, और यहाँ हो गया एक से एक और जुड़ जाएगा, यहाँ एक पहले से था या सिंगल, एक एक्स पहले से था, एक एक्स और जुड़ जाएगा, यहाँ एच टेट्रा, टेट्रा चार वो हेलो है तो टेट्रा हेलो एल्किन कहेंगे, वन वन टू टू टेट्रा हेलो एल्किन, क्या बोलेंगे बताओ वन वन, क्योंकि वन पर है, इसका नाम होगा वन वन टू टू टेट्रा हेलो एल्किन, नाम जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बार बार एक ही चीज को संकेत कर रहे हैं, नाम जानना, नाम जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ये तुम पर डिपेंड करता है नाम को रख पाते हो या ना रख पाते हो, लेकिन ये हम चीज बता दे रहे हैं, सारा चीज को डील करने की कोशिश कर रहे हैं, खाली समझते चलो, एक एक बात को क्लियर करते चलो बस, उसके बाद देखना मजा आएगा, सिर्फ मजा आएगा, ठीक है, फालतू बात सोचने का जरूरत नहीं है, एक महीना फालतू बात सोचते नहीं करो, एकदम सिर्फ तुम अपने लाइफ को देखो और ये देखो कि हम अपने लाइफ के लिए क्या कर रहे हैं, अगर तुम्हारा दिल तुमको कहता है कि हम अपने लाइफ के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, फिर लग जाओ सबके लिए अच्छा करोगे, टेंशन मत लो, ठीक है, सिर्फ तुम्हारा दिल बोलना चाहिए, आगे आगे तुम्हारा एग्जांपल, अगर एग्जांपल थोड़ा देख लिया जाए, ये पहला दिस वन इज CH3, ये C ट्रिपल बॉन्ड CH2, ठीक है, इसका नाम तीन कार्बन का क्या हो गया प्रोप, और ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए आयन, तो प्रोपाइन हो गया, अगर इसमें HCl डालते हो तो क्या आ जाएगा बाबू बताओ, तो ये तुम्हारा Cl नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा, तो यहां क्या आ जाएगा CH3, यहां आ जाएगा Cl, और यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहां CH2 था, अरे CH2 नहीं होगा, CH ना होगा, यहां CH हो गया, और इसमें तुम्हारा अब CH2 हो जाएगा, क्योंकि एक H चला जाएगा, बात समझ रहे हो, इसमें अगर फिर से HCl तुम्हारा रिएक्शन कर गया तो ये तुम्हारा CH, और यहाँ क्या हो गया Cl, और यहाँ क्या हो गया Cl, और यहाँ क्या हो जाएगा CH3, अगर इसका नाम लिखा जाए तो इसका नाम क्या आ जाएगा बताओ, तो यहाँ तुम्हारा 1, यहाँ 2, और यहाँ क्या 3, यहाँ हो जाएगा 2 2 डाइक्लोरो प्रोपेन, कोई दिक्कत, बात समझ में आ गया, तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में तुमको क्या करना है, तुमको दिमाग में रखना है, तुमको दिमाग में रखना है, ज्यादा फालतू चीज नहीं सोचना है, रखना है दिमाग में, रखना है बस, ठीक है, एग्जाम में जो भी आएगा एकदम छाप देना है, छाप देना है, एग्जाम में जो भी आए बस छाप देना है, ठीक है, चलो लिख लो, तब तक इंक भर लेते हैं, अरे लिखना जल्दी जल्दी लिख लिया,
ठीक है सर, आप ही का तो इंतजार कर रहे हैं, हम तो लीक के तैयार रहते पहले से। छापने में आ गए है कि नहीं, पढ़ लो ना खाली। हाँ छापने भी आगे रहो, ऐसी दिक्कत नहीं है, छापने में तो आगे रहना ही है। चलो ये हो गया, अब यहां से इसको हम मिटा दे रहे हैं। ये देखो अगर इसका एग्जांपल ले, बस यही आप कहोगे सर एक ही एग्जांपल का लेते हैं बार बार, अरे बस इतने दिमाग में इतना बार एग्जांपल लिया जाए, इतना बार एग्जांपल लिया जाए, दिमाग में सेट कर दे, भाग भी नहीं करे। समझ रहे हो, तुम सोया है कोई ये झापड़ मार कर तुमको उठाए पूछे अरे प्रोपाइन के साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनेगा, फट से बता देना क्या बनेगा। समझ गए, चलो यहां देखो तो ये CH3 हो गया, यहां से क्या हो गया Cl एक जुड़ेगा ऊपर, इधर इधर चार जुड़ जाएगा Cl, तो यहां Cl और यहां Cl, बस H नाम क्या रहेगा 1 2 3, यहां क्या रहेगा 1 1 2 2, तो यहां हो गया 1 1 1 1, और ये तुम्हारा क्या हो गया 2 2, और ये क्या हो गया डाइक्लोरो, और क्या तीन कार्बन का क्या रहेगा प्रॉप और सिंगल बॉन्ड का प्रॉप। ये तुम्हारा दिमाग में बात जाना चाहिए। चलो ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया पूरा पूरा अल्काइन से, हम तुम्हारा चर्चा कर दिया अल्किन से भी, अल्किन से भी और अल्काइन से भी, अल्कोहल से पूरा डिटेल चर्चा की, अल्कोहल अल्केन अल्किन और अल्काइन। अब हम बात करते हैं थोड़ा हैलाइड एक्सचेंज मेथड का, किसका बात करें थोड़ा बताओ, हैलाइड एक्सचेंज मेथड का, एकदम बढ़िया से दिमाग में रखना और बढ़िया समझना। यहां से क्वेश्चन आता है ये हैलाइड एक्सचेंज मेथड, हैलाइड एक्सचेंज मेथड एकदम बढ़िया से सीखते चलो, सीखते चलो, सिर्फ सीखना है, तुम सीखने के लिए आए हो यहां, सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अपना लाइफ सुधारने के लिए, बस बस बढ़िया परफॉर्मेंस करने के लिए, और फिर भी डिप्रेशन में जाते हो तो बेकार हो, यहां आके खासकर मेरा स्टूडेंट बनके डिप्रेशन में जाओगे तो बेकार है, लानत है तुम पर, कभी मत जाना। चलो देखो ये हैलाइड एक्सचेंज मेथड, हैलाइड एक्सचेंज मेथड में तुम्हारा क्या हो गया, देखो सबसे पहले क्या कि क्लोरीन और ब्रोमीन का जो फॉर्मेशन होता है वो ज्यादा होता है, मतलब क्लोरीन नहीं तो क्लोरो अल्केन और ब्रोमो अल्केन जनरली बन जाता है, ठीक है, फ्लोरो अल्केन और हाइड्रो अल्केन बनाने के लिए वो थोड़ा नहीं बन पाता है, गोजा तुम खुद देखना इसमें क्लोरीन मॉलिक्यूल है, मतलब क्या होता है क्लोरीन और ब्रोमीन का फॉर्मेशन जो होता है वो ज्यादातर होता है, तो क्लोरीन और ब्रोमीन मेरे पास है लेकिन फ्लोरीन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, आयोडीन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, मतलब हाइड्रो अल्केन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, फ्लोरो अल्केन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, क्लोरो अल्केन हम लोग के पास रहता है, ब्रोमो अल्केन का पास भी हम लोग के पास रहता है, तो करते क्या है तो ये दोनों से हम लोग क्या करते हैं फ्लोरो अल्केन या फिर हाइड्रो अल्केन बनाते हैं, ठीक है, देखो समझना यहां से देखो एकदम बढ़िया से, ये क्लोरो अल्केन और ब्रोमो अल्केन दोनों लेना है, लेकिन बनाना क्या है एक बार तुमको फ्लोरो अल्केन बनाना है और एक बार तुमको क्या बनाना है हाइड्रो अल्केन, बात समझना, ये भी तुम्हारा हेलो अल्केन है लेकिन इसी हैलाइड को एक्सचेंज करके फ्लोरो अल्केन बना दिए और क्या बना दिए हाइड्रो अल्केन। अब ये क्वेश्चन उठा बनेगा कैसे, तो बनेगा कैसे तो ये दोनों में से अगर तुम क्या करते हो सोडियम आयोडाइड डाल देते हो, क्या डालते हो बताओ सोडियम आयोडाइड डालते हो, क्या डालते हो सोडियम आयोडाइड, समझ रहे हो, तो ये सोडियम आयोडाइड अगर तुम डालते हो इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, किसके प्रेजेंस में एसीटोन के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में बताओ एसीटोन के प्रेजेंस में, तो देखो इसका Na इसका Br बाहर हो जाता है या फिर इसका Na और इसका Cl बाहर हो जाता है और I जुड़ जाएगा तो बन क्या रहेगा हाइड्रो अल्केन, इसका नाम है क्या क्लोरो अल्केन ब्रोमो अल्केन कोई भी, ये तुम्हारा क्लोरो अल्केन है और ये तुम्हारा क्या है ब्रोमो अल्केन है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया ब्रोमो अल्केन, बात समझ रहे हो, तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, ठीक है क्लोरो अल्केन और तुम्हारा क्या हो गया ब्रोमो अल्केन, इसका नाम तुम्हारा क्या है सोडियम आयोडाइड, ये सोडियम आयोडाइड नाम है आयोडाइड, ठीक है सोडियम आयोडाइड, इसका तो एसीटोन हम लिख ही दिए, इसका नाम क्या है हाइड्रो अल्केन, किसी का नाम छोड़ना मत एग्जाम में, ये भूल मत करना, ठीक है और डिप्रेशन भी नहीं आना, अरे खुश रहो हंसते रहो मुस्कुराते रहो पढ़ते रहो, हंसो भी मुस्कुराओ भी और पढ़ोगे, ठीक है, तो ये चीज तुम्हारा क्या हो गया सोडियम आयोडाइड हो गया, सोडियम आयोडाइड में एसीटोन डालेंगे नहीं, ये क्लोरो और ब्रोमो अल्केन में तुम्हारा क्या है सोडियम आयोडाइड डाल देंगे, इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन तो तुम्हारा हाइड्रो अल्केन बन जाएगा, जानते हो इस रिएक्शन को कहा क्या जाता है, इस रिएक्शन को जो कहा जाता है उसको कहा जाता है फिंकलस्टोन रिएक्शन, फिंक कुछ इस तरह से फिंकलस्टोन रिएक्शन, ठीक है, तो ये थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, स्पेलिंग थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है लेकिन ये दिमाग में रहना फिंकलस्टोन रिएक्शन इसको बोल जाता है, ठीक है, जब सोडियम आयोडाइड डालेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन तो ये क्लोरो और ब्रोमो अल्केन को बदल के क्या कर देगा हाइड्रो अल्केन कर देगा, लैंग्वेज बनाने बताएंगे टेंशन मत लो, लैंग्वेज कैसे बना सकते हो व्हेन क्लोरो और ब्रोमो अल्केन इज ट्रीटेड विद सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, एक सांस में बोलो एक सांस में, अगर एक सांस में बोलते बोलते सांस टूट जाए चलेगा तोड़ना नहीं, लेकिन चलो फिर आगे क्लोरो और ब्रोमो अल्केन treated with sodium iodide in presence of acetone to form hydroalkane, this reaction is known as Finkelstein reaction,
समझ आ गया? ठीक है, अब यहां से देखो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा इसमें तुम क्या करोगे, मेटालिक फ्लोराइड डालते हम लोग, जैसे AgF, ठीक है, या तो ये डाल सकते हो, या फिर Hg2F2 डाल सकते हो, या फिर SbF2 डाल सकते हो, ATC कुछ भी, इसमें जनरली तुम AgF डालोगे, क्या डालोगे, AgF, ठीक है। तो होता क्या है कि AgF डालने के बाद AgCl या फिर AgBr बाहर जाता है, AgCl या फिर AgBr तुम्हारा अगर फ्लोरो अल्केन लोगे तो AgCl बाहर होगा, अगर फ्लोरो ब्रोमो अल्केन लोगे तो तुम्हारा AgBr बाहर होगा, ठीक है, तो और करके AgBr भी हम कर देते हैं। तो ये जुड़ता क्या है, F मतलब बनता क्या है, फ्लोरो अल्केन, तो इसका नाम तुम्हारा क्या है, फ्लोरो, फ्लोरो अल्केन नाम है, नाम को दिमाग में बैठा कर रखो, इसका नाम क्या है बताओ, फ्लोरो अल्केन नाम है, ठीक है, इसका नाम क्या है, फ्लोरो अल्केन। जब भी क्लोरो और ब्रोमो अल्केन को आप क्या डालेंगे, AgF मतलब मेटालिक फ्लोराइड, सिल्वर फ्लोराइड या फिर मर्क्यूरस फ्लोराइड या फिर तुम्हारा तुम्हारा एंटीबॉडी फ्लोराइड SbF2, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, फ्लोरो अल्केन बनेगा। इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, इस तरह का रिएक्शन को क्या कहा जाता है, स्वार्ट्स रिएक्शन, क्या कहा जाता है बताओ, स्वार्ट्स रिएक्शन। ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रख लोगे। अब कहोगे सर इसका लैंग्वेज कैसे करोगे, तो व्हेन क्लोरो और ब्रोमो अल्केन इज ट्रीटेड विद मेटालिक फ्लोराइड AgF, ब्रैकेट में लिखोगे मेटालिक फ्लोराइड AgF, ठीक है, टू फॉर्म फ्लोरो अल्केन, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज स्वार्ट्स रिएक्शन। कोई दिक्कत, बात समझ में आ गया? तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रख लोगे। देखो एक चीज, तुम्हारा रिजल्ट भी मेरा मेहनत है, अगर हम मेहनत कर रहे हैं और तुम्हारा रिजल्ट खराब हो गया फिर बर्बादी कर दे दोनों तरफ से, दोनों रिजल्ट करो, बढ़िया करो, बहुत अच्छा करो, हम तो यही चाहते हैं मेरा विद्यार्थी जो भी हो जहां भी जाए तबाह कर दे। फिलहाल ये समझ में आ गया, नेक्स्ट अगर यदि तुमको बता दे, नेक्स्ट एकदम बढ़िया समझ रहे, ये यहां तक पता चल जाना चाहिए पूरा पूरा। हैलाइड एक्सचेंज मेथड तुमको डिटेल बता दी, हैलाइड एक्सचेंज मेथड में एक फिंकलिस्टन रिएक्शन हुआ, दूसरा स्वार्ट्स रिएक्शन हुआ। फिंकलिस्टन रिएक्शन में आइडो अल्केन बनेगा और स्वार्ट्स रिएक्शन में फ्लोरो अल्केन बनेगा। आइडो अल्केन कब बनेगा, जब सोडियम आयोडाइड डालेंगे क्लोरो या फिर ब्रोमो अल्केन में, इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, एसीटोन के प्रेजेंस में, ठीक है। और दूसरा क्या आप बात किए कि AgF मेटालिक फ्लोराइड डालोगे क्लोरो और ब्रोमो अल्केन में, तो फ्लोरो अल्केन बनेगा, इसको स्वार्ट्स रिएक्शन कहेंगे, इसको फिंकलिस्टन रिएक्शन कहेंगे। यहां तक एकदम दिमाग में बैठा लो, डाल लो दिमाग। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक तुम्हारा प्रिपरेशन का लास्ट टॉपिक क्या है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड से, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, ये तुम्हारा हो गया सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। तो सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड से देखोगे बढ़िया से समझोगे, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड कहते किसको है, पहले ये देख लो, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही तुम्हारा फैटी एसिड कहलाता है, ठीक है, फैट इसी में, यही तो साबुन बनता है, इसी से जानता हुआ टेंथ में पढ़ा हुआ सॉप, कार्बोक्सिलिक एसिड पूंछ रहता है, मुड़ी रहता है, पूंछ रहता है, जानते हो फिलहाल तो बात। तो ये सिल्वर का सॉल्ट रहेगा, ये किसका रहेगा, सिल्वर का सॉल्ट, ठीक है। सिल्वर सॉल्ट में हम लोग क्या करते हैं, ब्रोमीन मॉलिक्यूल को डालते हैं, किसके कौन सा मॉलिक्यूल को, सिर्फ और सिर्फ ब्रोमीन, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ब्रोमीन, ये भी रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। और इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड, सिर्फ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो होता क्या है, इसका Ag और इसका Br तुम्हारा क्या बार हो जाता है, AgBr प्रेसिपिटेट के रूप में बैठ जाता है, ठीक है। और होता यह है कि इसका एक और जो Br बचा हुआ है वो R पर अटैक कर देता है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, Br अटैक कर गया R पर, बात समझ रहे हो। और प्लस अब क्या हुआ, तो ये C और वो तुम देख रहे हो ना, ये CO2 अपने आप को ज्यादा स्टेबल महसूस करता है कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, बात समझ रहे हो। तो ये तुम्हारा बन गया। अब यहां देखो इसमें कार्बन का संख्या कितना था, R+1 मतलब R+1 और कार्बन, मतलब R+1 मतलब इतना कार्बन, और यहां सिर्फ कितना बचा R, मतलब एक कार्बन क्या हो गया कम, तो ये कार्बन कम, मतलब एक कार्बन लेस कार्बन बनता है, वन लेस कार्बन एटम फॉर्मेशन होता है। इसमें जो ब्रोमो अल्केन बना, सिर्फ और सिर्फ ब्रोमो अल्केन बनेगा, तो ब्रोमो अल्केन का जो फॉर्मेशन हुआ वो वन लेस कार्बन एटम से हुआ। इसमें ज्यादा एक कार्बन है, लेकिन एक कार्बन अगर कम करना होगा तो ये मेथड को यूज कर सकते हो। जानते हो इस मेथड को क्या कहा जाता है, इस मेथड को कहा जाता है हुन्स डीकर रिएक्शन, इस मेथड को क्या कहा जाता है, हुन्स डीकर रिएक्शन। ये चीज थोड़ा सा दिमाग में तुमको रखना है, ठीक है। इस मेथड को क्या कहा जाता है, हुन्स डीकर रिएक्शन, ठीक है। अब ओके सर लैंग्वेज से बना है, तो व्हेन सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड बोल सकते हैं, इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड टू फॉर्म ब्रोमो अल्केन विद वन लेस कार्बन एटम, समझ में आ रहा है। तो इस तरह बना लोगे, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज हुन्स डीकर रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, हुन्स डीकर रिएक्शन भी कहते हैं। बम बम होना, एनर्जी पूरा रखो, पूरा
एग्जाम्पल एक चल लेते हैं, ये तुम्हारा ध्यान दोगे एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल देखोगे तो एग्जाम्पल तुम्हारा क्या हो गया पहला, ये CH3 C डबल बॉन्ड O और OAG, ठीक है, इसमें ब्रोमीन मॉलिक्यूल डाल दोगे और कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, यहां से क्या होगा इसका सबसे पहले नाम जानो, नाम क्या होगा, तो ये सिल्वर तो है तो सिल्वर तो रहेगा ना, AG को सिल्वर कर दे, ये सिल्वर हो गया, ये तुम्हारा एसिटिक एसिड से बना, यहां CH3 ये एसिटिक एसिड से बना था, एसिटिक एसिड का क्या बोलते हैं, जब भी ईस्टर को फॉर्मेशन है सॉल्ट बनता है तो एसिटेट बोलते हैं, एसिटेट हो गया, एसिटेट ACETAT सिल्वर एसिटेट नाम है इसका, नाम क्या बताओ, सिल्वर एसिटेट, इनकम हो रहा है तुम लोग का समस्या समझ रहे, ठीक है, सिल्वर एसिडेट, अरे इंक यहां भी खत्म हो गया लगता है क्या, ये तुम्हारा यहां, ठीक है, सिल्वर एसिडेट, तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, एजी और बीआर बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा एजी बीआर प्लस, अब तुम्हारा एक बीआर तुम्हारा किसके साथ चला गया, तो ये सीएस थ्री के साथ चला गया, तो ये सीएस थ्री और क्या हो जाएगा बीआर, अब प्लस सीओ टू गैस निकल जाएगा बाहर, इसका नाम क्या लगा, मिथाइल ब्रोमाइड, नाम क्या हो गया, मिथाइल ब्रोमाइड, एक और नाम लिख सकते हो ब्रोमाइड, मिथाइल मिथाइल कब, जब कार्बन को आगे लिखेंगे, इसको पीछे लिखेंगे तो नाम क्या लगा, ब्रोमोमिथेन, ब्रोमोमिथेन, ये थोड़ा सा तुमको क्या करना है दिमाग में रख लेना, ठीक है, तो आपको लगता है कि तुम दिमाग में रख रहे हो और बहुत दिमाग से पढ़ रहे हो, चलो तो ये तुम्हारा छापने का समय आ गया है, ये छाप सकते हो कोई दिक्कत, थोड़ा सा हम इनका समाधान कर लेते हैं जल्दी जल्दी, तब तक छाप लो तुम, जल्दी छापो जल्दी छापो जल्दी छाप ले रहे, छाप लिया, इसमें छापना क्या है सर, अरे छापना यही तो है, एकदम दिमाग में बैठा लो, पूरा दिमाग में बैठा लो, भर लो दिमाग में, समझ गया, हम इनको भर रहे हैं तुम ही भर लो, है ना, तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में तुम बैठा लो, देखो अब यहां से आगे हम चले, तो प्रिपरेशन का जो फंडामेंटल टर्म था वो प्रिपरेशन तुमको इतना ही पढ़ने का था, प्रिपरेशन को थोड़ा सा दिमाग में रखते हुए इतना क्लियर करोगे, ठीक है, प्रिपरेशन तुम्हारा इतना क्लियर हो जाना चाहिए, इतना दिमाग में सेट करना चाहिए प्रिपरेशन, चलो हम आते हैं अब प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में फिजिकल प्रॉपर्टीज हम डिस्कस नहीं करना चाह रहे, ठीक है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हम कभी मौका मिलेगा तब हम डिस्कस करेंगे, मेन है हम तुमको सिखाना चाह रहे रिएक्शन प्रॉब्लम और रिएक्शन प्रॉब्लम, तो रिएक्शन प्रॉब्लम का लिए रिएक्शन सिर्फ जानोगे, ठीक है, चलो मिटा दे इसको, चलो 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 मिटा देते हैं, खत्म हो गया खत्म हो गया खत्म हो गया, है ना, पूरा बी एनर्जेटिक एनर्जेटिक रहो, एनर्जेटिक फुल एनर्जेटिक में रहो, मन नहीं लगता है, मन लगाना पड़ेगा, मन तो लगेगा ही, तुम जिस समय मन नहीं लगता ना, अपना परिवार को देखना, अपना परिवार जो तुमको पढ़ाने का कोशिश कर रहा है, तुमको पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहा है, और तुम क्या कर रहे हो, बैठल हो, यही तो सबसे बड़ा समस्या है, यही सबसे बड़ा समस्या है, आज का विद्यार्थी मैक्सिमम स्टूडेंट को यही देखते हैं, ये करता क्या है, मजे में जी रहा है, जिस काम के लिए वो आया है, जिस काम के लिए वो उसको चूज किया गया है, चुन के भेजा गया है, जाओ तुम पढ़ो, लेकिन वो काम छोड़कर कुछ अलग ही काम पर लगा हुआ है, वो परिवार को भूल गया जो परिवार तुम्हारे लाइफ को बेहतर बनाने के लिए तुमको पढ़ाने के लिए भेजा, तुम तो मस्ती कर रहे हो, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा, अपना परिवार के बारे में एक बार सोचो कि उसको कितना दुख लगेगा, उसको कितना पीड़ा होगा जब तुम्हारा परफॉर्मेंस को गिरता हुआ देखेगा, वो चाहता है कि तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो, बहुत एनर्जेटिक हो, चाहता है, लेकिन वो अगर परिवार जो तुमको यहां तक देखना चाहता है, वो अगर तुमको गिरते हुए देखेगा तो सोचो कितना उसको तकलीफ होगा, तुमसे ज्यादा, तुम तो खुद जान रहे हो कि हम गड़बड़ कर रहे हैं, बात समझ रहे हो, तुम जान रहे हो, लेकिन उसको उतना ज्यादा तकलीफ होगा, उसको परिवार को, समझ रहे हो, इसलिए पढ़ना तो पड़ेगा, फिलहाल आगे प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोवेल के, प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोवेल के, प्रिपरेशन खत्म, हेलोवेल के का प्रॉपर्टीज, हेलोवेल के एकदम बढ़िया से ए टू जेड देखो, ए टू जेड टॉपिक को जितना क्लियर कर दे रहे बस उसको देखते चलो, उसको बनाते चलो, उसको समझते चलो, हर एक टर्म को क्लियर करेंगे, हर एक चीज को क्लियर करेंगे, बस विश्वास बनाए रखो, आगे ठीक है, ये देखो
प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन में सबसे पहले देखो कि हैलो एल्केन पहले है क्या, तो ये R और ये X, ये ना तुम्हारा हैलो एल्केन है, ये समझा चुके थे शुरू में, ठीक है। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो पार्शियली नेगेटिव, और इस पर क्या होता है पार्शियली पॉजिटिव। ये देखो इसी तरह सातिर दिमाग है इसका, ये क्या करता है, ये देखो शेयर कर, सबसे पहले शेयर किया और शेयर किया तो इसका भी इलेक्ट्रॉन है, इसका भी इलेक्ट्रॉन, दोनों का हाफ ये जैसा है, लेकिन जानते हो ये जो है ना ये सातिर, ये क्या करता है इसका इलेक्ट्रॉन पर भी अपना हक समझ ले जाता है, चल भैया हम अपना तरफ ले आते हैं, तो ये अपना तरफ क्योंकि इसका ताकत ज्यादा है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब ये होता है जिसके पास कैपेसिटी ज्यादा हो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने का, तो इलेक्ट्रॉन पेयर को ही खींचता है, बात समझ रहे हो। तो जब ये खींचता है तो इसको एकदम लगता है हाँ मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, लेकिन बेचारा ये इसको मुश्किल में लगता है, इसको लगता है कि मेरा इलेक्ट्रॉन तो गया बेचारा, ठीक है। तो ये कोशिश करता है कि जाओ जाने दो जाने दो मरने दो, जो लूट रहा है आप क्या कर सकते हो उसको, कुछ नहीं। हाँ दूसरा तरफ से अगर कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला आ रहा है तो उसका लेता है, इसको भगा देगा, जा तुम मेरा इलेक्ट्रॉन भी लेके चल जा, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है। तो ये चीज तो थोड़ा सा देखो, तो होता क्या है बात समझना, इसको इलेक्ट्रॉन का कमी है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन का कमी है, हल्का हल्का लग रहा है, इसको महसूस हो रहा है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन का कमी है, क्यों, क्योंकि इसका भी इलेक्ट्रॉन कौन ले लिया है, ये सातिर दिमाग वाला, बात समझ रहे हो, क्लियर है। तो होता क्या है बढ़िया समझना, देखो यहां एक दो टर्म क्लियर करेंगे, ये देखो तुम जानता होगा वैसे हम क्लियर कर देते। एक होता है इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला, इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला, इलेक्ट्रॉन को लेने वाला, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाला, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला, अट्रैक्ट, ठीक है, अट्रैक्ट करने वाला, और एक होता है प्रोटॉन को अट्रैक्ट करने वाला, समझ रहे हो, जो इलेक्ट्रॉन को चाहेगा, इलेक्ट्रॉन को चाहेगा, तो चाहना का जो होता है एक रूट वर्ड उसको कहते हैं फाइल, क्या कहते हैं फाइल, चाहना को क्या बोलते हैं बताओ फाइल, ये फाइल कहलाता है। तो जो प्रोटॉन, प्रोटॉन कहां पर जन्म करता है, न्यूक्लियस में, कहां पर जन्म करता है बताओ न्यूक्लियस में, कौन रहेगा यूएस, ठीक है। तो यहां से देखो बढ़िया समझना, कहां पर जन्म रहेगा प्रोटॉन, कहां पर जन्म रहेगा न्यूक्लियस में, और ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब प्रोटॉन को चाहने वाला, तो न्यूक्लियस को चाहेगा, तो जो न्यूक्लियस को चाहता है, न्यूक्लियस को जो चाहता है उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोफाइल, क्या कहते हैं बताओ न्यूक्लियोफाइल, और जो इलेक्ट्रॉन को चाहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बताओ इलेक्ट्रोफाइल, इसको हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल, बात समझ में आ गया। तो यहां से एक ही चीज दिमाग में रखना, जो न्यूक्लियस को चाहेगा मतलब जो प्रोटॉन को चाहेगा, प्रोटॉन कैसा चार्ज का होता है पॉजिटिव चार्ज का, इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज का होता है नेगेटिव चार्ज का, यहां ध्यान देना, जो प्रोटॉन को चाहेगा मतलब न्यूक्लियस को चाहेगा, जो न्यूक्लियस को चाहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे न्यूक्लियोफाइल, जो इलेक्ट्रॉन को चाहेगा तो इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला को क्या बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन को चाह रहा है, इलेक्ट्रॉन चाहेगा कौन, जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी होगा, प्रोटॉन कौन चाहेगा, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा वो देगा उसको, बात समझ रहे हो। चलो एक चीज और बताते हैं, प्रोटॉन का चार्ज कैसा होता है पॉजिटिव, तो खुद ये पॉजिटिव है, खुद ये पॉजिटिव है, तो ये चाहेगा किसको, ये खुद क्या है ये नहीं पॉजिटिव, प्रोटॉन का मतलब क्या पॉजिटिव और फाइन, तो यहां से देखो ये पॉजिटिव को चाह रहा है, ये किसको चाह रहा है बताओ पॉजिटिव, अरे न्यूक्लियोफाइल तो न्यूक्लियस को चाह रहा है ना, तो न्यूक्लियस को, तो न्यूक्लियस को चाह रहा है मतलब पॉजिटिव को चाह रहा है, किसको चाह रहा है बताओ, ये पॉजिटिव को चाह रहा है, पॉजिटिव फाइल कोई बोल सकते हैं पॉजिटिव फाइल है ना, तो पॉजिटिव फाइल है, तो पॉजिटिव फाइल है तो इसका खुद का जो पॉजिटिव फाइल होगा वो कैसा चार्ज होगा थोड़ा बताओ नेगेटिव, इसलिए क्योंकि तुम देखो पॉजिटिव और नेगेटिव तुम्हारा क्या करता है अट्रैक्ट टू ईच अदर, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है अट्रैक्ट टू ईच अदर, ये आपस में खिंचाता है। अगर मान लो कि क्या है तो उधर से आया ये न्यूक्लियोफाइल, कोई भी आया जो पॉजिटिव को चाह रहा है, पॉजिटिव को चाह रहा है तो कौन होगा बताओ नेगेटिव होगा, तब ना पॉजिटिव को चाहेगा, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं फिर से एकदम देखो एकदम नहीं दिमाग से बाहर हो गया, देखो फिर से समझा रहे, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन चाहने वाला, न्यूक्लियोफाइल प्रोटॉन चाहने वाला, प्रोटॉन पॉजिटिव को मतलब पॉजिटिव को चाहने वाला, तो पॉजिटिव को चाहेगा कौन नेगेटिव चाहेगा, समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा है नेगेटिव, तो इलेक्ट्रोफाइल नेगेटिव को चाहने वाला खुद क्या होगा पॉजिटिव होगा, बात समझ में आ गया, बात समझ गया, तो इलेक्ट्रोफाइल कैसा होगा पॉजिटिव,
और न्यूक्लियोफाइल कैसा होगा बताओ, तो न्यूक्लियोफाइल एन से नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, एन यू से करेंगे, क्योंकि एन का मतलब नाइट्रोजन होगा। ये कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज वाला तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल हो गया, और पॉजिटिव चार्ज वाला क्या हो गया? इलेक्ट्रोफाइल हो गया। कोई दिक्कत? बात समझ रहे हो? कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारा न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी न्यूक्लियोफाइल के जैसा व्यवहार करता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल। जैसे मान लो, तो यहां से कुल मिलाकर यहां से सोचना ना, देखो इलेक्ट्रॉन जो देगा उसको न्यूक्लियोफाइल कहेंगे, इलेक्ट्रॉन जो लेगा उसको इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। बात समझ गए? इतना दिमाग में रखा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन का डिफिशिएंसी है, कमी है, इसको इलेक्ट्रोफाइल कहा जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन का ज्यादा है तभी न्यूक्लियस के पास जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल। कोई दिक्कत? इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पता चल गया, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पता चल गया। अच्छा देखो, ये दोनों रिएजेंट में से इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये दोनों में से इसका समाधान कौन कर सकता है? तो ये देखो, ये खुद भूखा है बाबू, ये खुद भूखा है, और ये भी तुम्हारा भूखमरी से मर रहा है पहले, इसका भी इलेक्ट्रॉन का कमी है क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है। बात समझ रहे हो? इलेक्ट्रॉन इसका छीन लिया गया, इस पर इलेक्ट्रॉन तुम्हारा ज्यादा है, तो इसका समाधान कौन कर सकता है? समाधान तो हम लोग को हेलो एल्केन ने करना है ना, ये दोनों रिएजेंट का मतलब समझा दिए, तो ये हेलो एल्केन इसका समाधान कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? न्यूक्लियोफाइल। बात समझा? तो जैसे न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, इसके सामने आता है इलेक्ट्रॉन लेके, वो इसके सामने आता है, इसको लगने लगता है कहीं हमको दे देगा, तो ये क्या करता? फटाफट कहता है, जा तुम मेरा इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था, तुम मेरा भी इलेक्ट्रॉन लेके चल जा, हमको कोई मतलब नहीं है तुम्हारा, हम कमा लेंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये क्या किया, ये इससे साझेदारी कर लिया, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन ये खींचा, या फिर ये जो है इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो ये जो है वो अपना भी इलेक्ट्रॉन इसी को सबमिट कर क्या कर दिया, भेज दिया। बात समझ रहे हो? तो ये तुम्हारा क्या हो गया, थोड़ा बताओ, ये अगर इधर से जुड़ा तो ये तुम्हारा आर अब किससे किसके साथ जुड़ गया? न्यूक्लियोफाइल के साथ। और एक्स जो पहले जुड़ा था उसको तुम कह दिया कि तुम जा अपना मेरा भी इलेक्ट्रॉन और अपना भी इलेक्ट्रॉन लेकर चल जाओ भैया, हमको तो कोई इलेक्ट्रॉन समझता नहीं है, हमको इधर से मिल गया। बात समझ में? इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूएटेड, सब्स्टिट्यूएटेड प्रोडक्ट, ठीक है। अब कहोगे सर ये क्या होता है न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूएटेड का मतलब? सब्स्टिट्यूएटेड का मतलब ये होता है ना कि एक को आने से दूसरे को भगा के और बैठा देना उसको, ठीक है। जैसे मान लो तुम कहीं कुर्सी पर बैठे हो, ठीक है, उधर से आया कोई दादागिरी कर रहा है, चलो तुमको कान पड़ गया, उठा भगा दिया, खुद बैठ गया उसके बाद, तो उसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूएटेड। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएटेड। अगर उसके स्थान पर कोई दूसरा आ जाए, उसको भगा के दूसरा बैठ जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि यहां न्यूक्लियोफाइल ऐसा किया, ये बड़ा बदमाशी कर रहा था, ये क्या कर रहा था? बदमाशी, ये चिल्ला रहा था, ये रो रहा था, बेचारा हम क्या करें, इसके साथ गलत संबंध हो गया, गड़बड़ हो गया, ठीक है, ये गलत बॉन्ड बन गया मेरे पास, ये खींचते रहता है हमेशा, मेरा टांग खींचते रहता है, हम मर रहे हैं। न्यूक्लियोफाइल का टेंशन मत लो, हम आ रहे हैं। ये न्यूक्लियोफाइल इसका मदद करता है, भगा उसको, भगा, लात मार के भगा, लात मार के भगा देता है। बात समझ रहे हो? तो ये इसको लात मार के भगाया, इसके साथ बॉन्ड बना लिया, कोई दिक्कत? तो न्यूक्लियोफाइल इसका मदद किया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूटेड। कोई दिक्कत? बात समझ में आ गया? तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रख लो, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ये बन गया। न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने से काहे न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, ये भी तुमको हम क्या किए? सिखाने की कोशिश किए, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी था, ये इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा ले आ रहा था, ये इलेक्ट्रॉन इसका मदद करके उसको स्टेबल कर सकता था, इसलिए न्यूक्लियोफाइल अटैक किया। बात समझ में आया? तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रखोगे, और ये जो रिएक्शन हुआ ना पूरा बाबू, ये जो पूरा रिएक्शन हुआ, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूएशन रिएक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूएशन रिएक्शन। इसको हम लोग क्या कहते हैं बताओ? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूएशन रिएक्शन। ये इस तरह का रिएक्शन हुआ कि इसमें न्यूक्लियोफाइल आर पर अटैक किया, इसको भगा दिया, और खुद न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना दिया। तो इस तरह का रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूएशन रिएक्शन। बात समझ में आ गया? तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रख लोगे, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन। कोई दिक्कत? अब इसको डिफाइन कैसे करोगे? तो क्या लिखोगे? व्हेन न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन अल्काइल लाइन, अटैक ऑन कार्बन एटम ऑफ अल्काइल लाइन। बात समझ? अल्काइल लाइन है, तो कार्बन एटम पर अटैक किया, एंड फॉर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, देन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बात समझ में आ गया? बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, बढ़ा दे इसको। तो न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझ में आ गया होगा कि आखिर क्या है, ठीक है। इसको हम निकाल रहे हैं। देखो एक अब स्टैंडर्ड तुमको हम दिखा देते हैं, स्टैंडर्ड लाइक क्या बोलते हैं लैंग्वेज ना, ये बढ़िया से थोड़ा सा बढ़िया से तुमको लिख देते, खाली समझ से चल जाना, ठीक है। ये देखो,
ये तुम्हारा क्या है आर और ये तुम्हारा क्या है एक्स। हम लोग का रिएक्शन का नाम क्या हो गया है, केमिकल प्रॉपर्टीज समझ में आ गया ना। ये केमिकल प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज क्या करेगा, किसके साथ सारा माना कर रहा है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नाम टॉपिक बन गया। ये क्या बन गया बताओ, टॉपिक बन गया। ठीक है, अब यहां से देखो होता क्या है, एकदम बढ़िया समझना। होता ये तुम्हारा क्या है, ये पार्शियली नेगेटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव। उधर से कौन आया, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन लेके आया, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इसको भगा दिया। ये न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन जाता है, ये इलेक्ट्रॉन लेके चल जाता है। बात समझा, ये तुम्हारा क्या था, अल्काइल हैलाइड या फिर हैलोजन कह सकते हो, ये अल्काइल हैलाइड है, इसको हैलोजन कह सकते हो। ये तुम्हारा क्या है, तो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। स्पेलिंग वगैरह तुम लोग देख सकते हो, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट फटाफट लिख सकते हो। ठीक है, तो ये तुम्हारा अल्काइल हैलाइड हो गया, ये न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हो गया। डिफरेंशिएशन कैसे लिखोगे, व्हेन अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद न्यूक्लियोफाइल, या फिर व्हेन अल्काइल हैलाइड नहीं ऐसे, व्हेन न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन कार्बन एटम ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड फॉर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया से। अब यहां से ये हो गया ना, तो ये जनरली तीन तरह का रिएक्शन शो करता है। कितने तरह का, तीन तरह का रिएक्शन शो करता है। ये तुम्हारा देखोगे एकदम बढ़िया समझना, एक को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिमोलिकुलर, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक फ्लिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एकदम बढ़िया समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम बढ़िया समझो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा बात जो तुम्हारा है, ये यूनिमोलिकुलर मतलब एक मॉलिक्यूल पर डिपेंड कर रहा है। दूसरा जो तुम्हारा है वो है बायोमॉलिक्यूलर, बायोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और तीसरा है इंट्रामॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या दिखाते हैं, तो लिखते हैं SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन करें, वन मतलब यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पूरा हो गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बाय मॉलिक्यूलर, बाय मतलब SN और यहां 2 कर दो, तो 2 मतलब बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, तो बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक। इसको क्या कहते हैं, तो SN और यहां I लगा दो, SNI, I मतलब इंट्रा मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये हो गया तुम्हारा 1, ये हो गया 2 और ये क्या हो गया 3, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये तीनों को हम डिटेल चर्चा करते हैं और बढ़िया समझते चलो। ठीक है, एकदम स्लाइटली जो तुम्हारा एग्जाम में आने वाला आने लायक है, बस उसी को दिमाग में रखोगे और बढ़िया समझोगे। बेटा देखो ये तुम लिख सकते हो, लैंग्वेज तुमको हम बता दिए कैसे लिखना है। इसका तुम्हारा तीन टाइप का रिएक्शन हो गया न्यूक्लियोफिलिक में, एक तुम्हारा हो गया यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा हो गया बायमॉलिक्यूलर और तीसरा क्या हो गया इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, आगे देखें अगर बढ़िया से, तो यहां से देखो पहला बात तुम्हारा क्या है, SN1 रिएक्शन। क्या है बताओ, SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन जो है तुम्हारा वो तुम्हारा समझोगे बढ़िया से। SN1 रिएक्शन क्या है, तो एक ऐसा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसे मान लो ये तुम्हारा अल्काइल हैलाइड है, ये तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, और ये तुम्हारा क्या हो गया आर न्यूक्लियोफाइल बन गया, एक्स तुम्हारा क्या हो गया बाय, छोटा लिखते हैं है ना, आर एक्स है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, और ये तुम्हारा क्या हो गया आर न्यूक्लियोफाइल बन गया और एक्स तुम्हारा क्या हो गया बाहर, ठीक है, तो ये तुम्हारा यहां से बाहर हुआ। अब इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन तुम लोग जानता होगा, वैसे केमिकल काइनेटिक्स में तुमको हम पढ़ाएंगे, ठीक है, इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट ऑफ रिएक्शन मतलब स्पीड जा रहा है कि धीरे जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, अल्काइल हैलाइड पर डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का अमाउंट बढ़ाओगे तो रिएक्शन का रेट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब जल्दी जल्दी रिएक्शन करने लगेगा। रिएक्शन का रेट अगर घटाओगे तो तुम्हारा घट जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन घट जाएगा। न्यूक्लियोफाइल बढ़ाओ घटाओ कुछ नहीं होगा, इसमें कोई मतलब ही नहीं होगा। अगर शुरू में जितना था उतना ही रिएक्शन करेगा, अगर थोड़ा सा कम डाला न्यूक्लियोफाइल तब भी उतना ही रिएक्शन करेगा, थोड़ा ज्यादा डाला न्यूक्लियोफाइल तब भी वही रिएक्शन करेगा। कुल मिलाकर यह समझो कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, अल्काइल हैलाइड पर, उसी का कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, दूसरा पर डिपेंड नहीं करता है। तो इस तरह का रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, SN1 रिएक्शन। बात समझ में आया मतलब क्या लिखोगे, लैंग्वेज क्या लिखोगे, द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड
दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एसिड-मोल रिएक्शन, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एसिड-मोल रिएक्शन कहेंगे। अब थोड़ा सा देखो तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा रेट, जब लैंग्वेज लिख लोगे तो ये डाटा लिखोगे, ये लिखोगे इज इक्वल टू यहाँ के डायरेक्टली हटाते हैं कॉन्स्टेंट आता है के, जिसको हम लोग यहाँ रेट के लिए आए ना तो इसको हम लोग बोलते हैं रेट कॉन्स्टेंट। क्या बोलते हैं बताओ, रेट कॉन्स्टेंट, बात समझ आ। अब यहां से एक चीज थोड़ा सा देखोगे, ये तुम्हारा एसिड-मोल रिएक्शन क्या होता है, ये इसका प्रॉपर्टी देखोगे, इसको बिठा दे, इसका प्रॉपर्टी इसको बढ़िया से दिमाग में रखना और समझना, इसका प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन तुम्हारा पूछा जाता है, रीजनेबल क्वेश्चन तुम्हारा यहां से देखने को मिलेगा, ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रखोगे। चलो ये तुम्हारा क्या है, तो इसका प्रॉपर्टी देखो, एसिड-मोल रिएक्शन जो है वो टू स्टेप पे होता है, टू स्टेप मैकेनिज्म। ये कितना स्टेप मैकेनिज्म है बताओ, टू स्टेप मैकेनिज्म है। सबसे पहले ये टूटता है, सबसे पहले ये क्या करता है, टूटता है, कार्बोकेटायन बनाता है, मतलब इसमें इंटरमीडिएट के रूप में जो बनता है, इंटरमीडिएट जो बनता है वो क्या बनता है, एज कार्बोकेटायन। ऐसे लिखो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन। अब ये कार्बोकेटायन क्या है तुम लोग को नहीं बुझा होगा ना, एज इंटरमीडिएट बताएंगे, टेंशन मत लो, ये इंटरमीडिएट पहले लिखते चलो मीडिएट, ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन एज इंटरमीडिएट, ये दूसरा बात। तीसरा बात यहां से क्या होता है कि इसमें सॉल्वेंट जो होता है ये फेवर करता है प्रोटिक सॉल्वेंट। अच्छा लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। किस पर डिपेंड करता है बताओ, कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है, द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। एसिड-मोल का ही कारण है, ठीक है, एसिड-मोल में क्या होगा, दो स्टेप मैकेनिज्म होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन बनेगा इसमें इंटरमीडिएट के रूप में, और तुम्हारा दूसरा क्या हो गया, तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जो होगा, द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है, अगर कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल रहेगा तो ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, कार्बोकेटायन कम स्टेबल रहेगा तो कम प्रोडक्ट बनेगा, बात समझा, रिएक्शन नहीं होगा, अगर बहुत ज्यादा कम स्टेबल है तो रिएक्शन प्रोसीड करेगा ही, नो रिएक्शन हो जाएगा, बात समझ रहे हो। ये चीज, ये चीज थोड़ा सा देख रहा, पोलर जो होगा प्रोटिक सॉल्वेंट ये फेवर करता है, वो सब फालतू चीज मत जाना, छोड़ दो, इतना ही चुपते रहो, ये तीन पॉइंट दिमाग में रख लेना, बढ़िया से दिमाग में रख लेना। ऐसे में तुम्हारा क्या होता है, टू स्टेप मैकेनिज्म है, ठीक है, दूसरा क्या है, इसमें कार्बोकेटायन बनता है, रिएक्शन कार्बोकेटायन बनता है, और तीसरा बात क्या है, स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है, जितना ज्यादा स्टेबल रहेगा कार्बोकेटायन उतना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। अब थोड़ा सा मैकेनिज्म दिखाते हैं, ये मैकेनिज्म थोड़ा दिखाते हैं क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भाई समझा। सबसे पहले होता क्या है देखो, तो ये R और X है, ठीक है, ये क्या करता है, जैसे इसको भनक लग गया, ये तुम्हारा क्या है पार्शियल नेगेटिव और ये क्या पार्शियल पॉजिटिव, इसको भनक लग जाता है कि न्यूक्लियोफाइल इंटर कर चुका है, जब न्यूक्लियोफाइल इसमें डालोगे तब, ठीक है, कि न्यूक्लियोफाइल इंटर कर चुका है, तो ये करता क्या है, सबसे पहले इसको भगा देता है, पूरा कॉन्फिडेंस हाई कॉन्फिडेंस में आ जाता है, तो ये पूरे पॉजिटिव हो जाएगा और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा पूरे नेगेटिव। इसी को बोलते हैं कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोकेटायन, क्या बोलते हैं बताओ, कार्बोकेटायन। कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोकेटायन, ठीक है। ये स्टेप वन हुआ, दूसरा स्टेप में तुम्हारा क्या होता है कि कार्बोकेटायन अब बन गया है तो उधर से कौन आता है, न्यूक्लियोफाइल अब अटैक करता है, इस पर बना देता है आर और क्या न्यूक्लियोफाइल, इसको हम लोग बोल देते हैं न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो ये तुम्हारा जो बनता है वो स्लो रिएक्शन होता है, धीरे धीरे थोड़ा पता ना, ये रो रो के थोड़ा, ये देखो न्यूक्लियोफाइल आया, इंटर किया जरूर, इसको लगा कॉन्फिडेंस तो जरूर लगा, लेकिन फिर भी क्या किया, ये तो अपना इलेक्ट्रॉन है ना, अपना इलेक्ट्रॉन देने में थोड़ा दया मोह लगता है, तो मुश्किल, कार्बोकेटायन बन गया, कार्बोकेटायन ये फास्ट करता है क्योंकि ये हाई अनस्टेबल रहता है, मतलब हाई अनस्टेबल नहीं कह सकते हो कि तुम्हारा कार्बोकेटायन बना है जितना अनस्टेबल है, ये तो हाई अनस्टेबल है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन कमी है, तुरंत इलेक्ट्रॉन देता है, ये तुरंत इलेक्ट्रॉन दे भी देता है, फटाफट ये बन जाता है प्रोडक्ट, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, दो स्टेप, सबसे पहले तुम्हारा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, फिर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। इसको थोड़ा सा एग्जांपल्स के रूप में लेते हैं, थोड़ा समझना और बढ़िया से समझना, मिटा दे इसको, बढ़िया से समझोगे। वैसे तुमको इसको समझाने से पहले एक चीज और समझा देते हैं, और वो ये कि कार्बोकेटायन जो है, कार्बोकेटायन के बारे में समझा देते हैं, कार्बोकेटायन जो तुम्हारा है वो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, टोटल कितना बॉन्ड बना रहा है, कार्बन चार, अब एक बॉन्ड कोई लिख भाग गया, इसका पॉजिटिव हो गया ये खुद, ठीक है। अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन देता नहीं है इलेक्ट्रॉन,
बात समझ रहे हो? तो ये क्या रहता है, देखो अब यहां से तुम्हारा क्या हो गया, ये पॉजिटिव, और ये तुम्हारा क्या हो गया एच, यहां भी हाइड्रोजन, यहां क्या हो गया CH3, ये तुम्हारा क्या हो गया CH3। तो यहां से देखो ये तुम्हारा क्या हो गया, यहां से हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, और कार्बन का इलेक्ट्रॉन नुकसान हो चुका है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्या है नुकसान हो चुका है, इसका भी कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्या है नुकसान हो चुका है, लेकिन यहां से तुम्हारा प्लस आई इफेक्ट शो करता है, क्या शो करता है बताओ, प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट का का मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा थोड़ा देने की कोशिश करता है, तो ये हल्का इलेक्ट्रॉन देता है, तो वैसे ये पूरा भूखाल था, ये इलेक्ट्रॉन का कमी महसूस कर रहा है, खुद पॉजिटिव चार्ज है, और इसको थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन मिला, तो जी हमें जान मिला, चल भैया हमको कुछ तो मिला, इसमें कुछ नहीं मिल पा रहा है, बहुत मुश्किल है, इसका तो छटपटाते हुए जान जा रहा है, एकदम छटपटा रहा है, बात समझ रहे हो? ये देखो इसको भूख लगल है, जैसे किसी को होता है ना कि चार को टांग है, एक टांग कट गया, उसके बाद छटपटाने लगा, बात समझ रहा है? लेकिन इसमें क्या है कि एक टांग से कुछ ना कुछ बल मिल रहा है इसको, तो थोड़ा सा ये टांग में सब परेशान है, मिल रहा है बल, ये थोड़ा सा स्टेबल हुआ। अब यहां से देखो ये अगर मान लो एक CH3 इधर, एक CH3 और लगा देते, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ अब ये भी थोड़ा बल दे रहा है, ये भी थोड़ा बल दे रहा है, तो ये थोड़ा और स्टेबल हो जाता है, और यहाँ से इधर ये कार्बोकेटा तीनों में CH3 लगा दो, ये तीनों में CH3 लगा दो, इसको थोड़ा और बल मिलता है, तो ये थोड़ा सा और, तो सबसे ज्यादा स्टेबल जो होता है वो ये होता है, बात समझ गया? तो ये तुम्हारा कार्बोकेटाइन क्या है, बहुत ज्यादा स्टेबल, इसको हम लोग बोलते हैं टर्शियरी कार्बोकेटाइन, क्योंकि कार्बोकेटाइन वैसा है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज वैसा कार्बन पर है, पॉजिटिव चार्ज वैसा कार्बन पर है, ये कितना से जुड़ा हुआ है, तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं टर्शियरी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, बात समझ गया? इसमें देखो पॉजिटिव चार्ज वैसा कार्बन पर है कि कितना कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन से, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। देखो पॉजिटिव चार्ज वैसा कार्बन पर है कि ये एक ही कार्बन पर है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी, और ये तुम्हारा क्या हो गया, तो हाइड्रोजन, ये तुम्हारा एक कार्बन है तो मीथ हो गया, और एक हाइड्रोजन हट गया तो आयल हो गया, और ये कार्बोकेटाइन, तो ये मिथाइल कार्बोकेटाइन है, ये तुम जानते हो, ये तुम बात को दिमाग में रख लेना, ये मिथाइल कार्बोकेटाइन है, और मिथाइल कार्बोकेटाइन जो तुम्हारा है वो तुम्हारा क्या होगा, बहुत लेस स्टेबल होगा, बहुत कम स्टेबल होगा, कार्बोकेटाइन सबसे कम स्टेबल, ये सबसे ज्यादा स्टेबल, ठीक है? तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में तुमको क्या कर देना है, ठीक है? अब तुम्हारा मैकेनिज्म हम एग्जांपल के तौर पर बताते हैं, इसी पर मैकेनिज्म बता दें, बता दें इसको, देखो अब SN1 करता क्या है, SN1 ये कहता है कि सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनाओ, SN1 क्या कहा, तुम अपने लैंग्वेज समझो, SN1 रिएक्शन के अनुसार तुम्हारा क्या हो गया, क्या हो गया, तो पहला बात कहता है कि कोई भी अगर तुम्हारा एल्केन आएगा तो सबसे पहले क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन। तो यहां से तुम्हारा देखो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, जैसे मान लो पहला तुम्हारा लेते CH3, और देखो ये CH3, और ये तुम्हारा क्या हो गया CH3, और यहां तुम्हारा CH3, ठीक है? इसका नाम क्या है थोड़ा बताओ, तो इसका नाम अगर लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो है ना, और 2 मिथाइल, अरे होगा ना, इधर क्लोरीन है इधर मिथाइल है, ठीक है? और ये 3 कार्बन का क्या हो जाएगा, प्रोप, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एन, तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, इसका नाम क्या है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। और देखो यहां से क्लोरीन वैसा कार्बन से जुड़ा है कि ये कितना कार्बन से जुड़ा है, 1 कार्बन 2 कार्बन और क्या 3 कार्बन से, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं टर्शियरी, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, मतलब अल्काइलन है, कार्बोकेटाइन बनेगा, देखोगे यहां से। दूसरा अगर हम बात करें तो इसका बात करते हैं CH3, ये तुम्हारा क्या हो गया CH, यहाँ क्या हो गया CH3, और यहाँ CL। अब यहां से देखो ये थोड़ा सा इसको अगर देखोगे तो इसका नाम क्या लिखेगा, इसका नाम क्या लिखाएगा, देखो 1 2 और क्या 3, तो यहाँ नाम क्या हो गया 2 क्लोरो 3 कार्बन है तो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या एन, तो नाम क्या हो गया 2 क्लोरो प्रोपेन, ठीक है? और तीसरा अगर देखोगे तो यहां से एकदम बढ़िया से देखो, तीसरा अगर देखोगे CH3 और क्या CH2, और ये तुम्हारा क्या हो गया CL। अगर इसका देखोगे तो इसका नाम क्या थोड़ा बताओ, तो यहां से तो तुम्हारा क्या हो गया क्लोरो, 1 क्लोरो मतलब क्लोरो और इथेन, क्लोरो इथेन, इसका नाम क्या बताओ, क्लोरो इथेन, बात समझ रहे हो? और लास्ट में तुम्हारा एक और है CH3 और खाली CL, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। ये 4 तरह का तुम्हारा रिएक्टेंट ले रहे हैं, एक ही बार में समझ जाओ, एक ही बार में समझ जाओ। सबसे पहले SN1 कहता है कि तुम क्लोरीन को भगाओ, सबसे पहले SN1 एक ही चीज कहता है, क्लोरीन को भगाओ। तो अगर यदि ये टर्शियरी वाला क्लोरीन को भगाएगा, देखो ये वाला बनेगा, भाग गया क्लोरीन तो ये एक बॉन्ड बन गया, तो ये सिर्फ ये बनेगा, ये ज्यादा स्टेबल है। अगर इसका अगर बात करें तो इसका क्लोरीन भागेगा तो ये 3 कार्बन, तो ये 3 कार्बन का बीच में भागेगा, तो 3 कार्बन का बीच से ये वाला बनेगा कार्बोकेटाइन बनेगा। अगर इसका भगाओगे तो ये वाला बनेगा 2 कार्बन। अगर इसका क्लोरीन भगाओगे तो कार्बोकेटाइन जो बनेगा, ठीक है? यहां सिंपली ये चीज जानो कि ये तुम्हारा क्लोरीन है,
ये तुम्हारा क्या है, ये क्लोरोल्केन है, ये क्लोरोल्केन है, सब सब क्लोरोल्केन है। अगर इसका तुम अगर क्या करते हो क्लोरीन को हटाते हो तो क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, और जब अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो कार्बोकेटायन क्या बनेगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो है वो ये बनाएगा, ये वाला जो है वो ये बनाएगा, और ये वाला जो है वो ये बनाएगा। अभी तुमको हम बताए थे कि सबसे ज्यादा कम अस्टेबल कौन होगा, ये एकदम कम अस्टेबल होगा, और ये क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, ये कम अस्टेबल और ये क्या, ज्यादा स्टेबल। तो एक चीज बताओ, ये ज्यादा स्टेबल है तो SN1 रिएक्शन को ये ज्यादा करने की कोशिश करेगा, और ये क्या करने की कोशिश करेगा, ये ना के बराबर करेगा। तो SN1 रिएक्शन जो होगा इसमें सबसे ज्यादा होगा, इसमें उससे कम, और इसमें थोड़ा सा कम, और इसमें ना के बराबर, ना के बराबर, बात समझा। तो यहां से तुम रिएक्टिविटी की अगर बात करो, रिएक्टिविटी का बात करो तो रिएक्टिविटी जो होगा वो टर्शरी, टर्शरी का SN1 में, SN1 में ध्यान दो, हम इसीलिए बताएंगे कि SN1 में टर्शरी का जो तुम्हारा है वो रिएक्टिविटी सबसे क्या होगा, ज्यादा। उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, सेकेंडरी का, उसके बाद क्या होगा, प्राइमरी का, और उसके बाद क्या होगा, मिथाइल कार्बोकेटायन का। मतलब कुल मिलाकर यहां से देखो टर्शरी कार्बोकेटायन ज्यादा रिएक्शन शो करेगा SN1, और तुम्हारा क्या, फिर तुम्हारा सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, और फिर क्या, मिथाइल। ये प्राइमरी और मिथाइल तो ना के बराबर करता है, ये तुम्हारा कौन करेगा, टर्शरी और सेकेंडरी थोड़ा बहुत SN1 रिएक्शन करेगा, उसमें से सबसे ज्यादा कौन करेगा, टर्शरी कार्बोकेटायन SN1 रिएक्शन को ज्यादा करेगा। बात समझ रहे हो, तुमको अरेंज करने दे देगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, SN1 के हिसाब से बताओ, SN2 के हिसाब से बताओ, तो तुम बता सकते हो, इस तरह का नाम लिख देगा। पहले तुम स्ट्रक्चर बना लोगे, देख लोगे कि कौन सा कार्बन है, प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शरी है, कौन सा है। अगर तुम प्राइमरी तुम देखोगे तो कम करेगा, सेकेंडरी तुम्हारा ज्यादा करेगा, टर्शरी क्या करेगा, सबसे ज्यादा करेगा। बात समझ गया, ये चीज थोड़ा सा दिमाग में तुमको क्या करना है। स्टेबिलिटी समझ में आ गया ना, तो ये तुम्हारा हो गया SN1 रिएक्शन का हिसाब किताब। हम बहुत कुछ नहीं बताया इस चैप्टर में, लेकिन ये हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर बात तुमको हम सिखा दी, ठीक है। तुमको हम दिखाते हैं SN2, ये SN2 क्या कहता है, SN2 तुम्हारा क्या है, बायोमॉलिक्यूलर है, बायोमॉलिक्यूलर मतलब ये तुम्हारा RX है, और प्लस यहाँ क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल, ये तुम्हारा यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो गया, और X तुम्हारा बाहर निकल गया, ठीक है। तो इसका जो रेट होता है ना, इस रिएक्शन का रेट, वो दोनों पर डिपेंड करता है, ये तुम्हारा हाइलोजन पर भी डिपेंड करता है और न्यूक्लियोफाइल दोनों पर डिपेंड करता है। बात समझ में आया, तो इसको हम लोग क्या बोल दिए, क्योंकि दो मॉलिक्यूल पर डिपेंड कर रहा है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 1 और 1 2 हो गया, तो इसका ऑर्डर 2 हो गया। बात समझा, तो इसका ऑर्डर 2 हो गया, इसलिए इसको हम लोग क्या कह दिए, बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये रेट इज इक्वल टू, तोड़ोगे तो यहां क्या हो जाएगा, यहां आर, और यहां क्या हो गया एक्स, और ये तुम्हारा क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल, ये तुम्हारा निकल। बात समझ रहे हो, तो यहां से तुम्हारा ये चीज दिमाग में रखोगे। अब यहां से क्या क्वेश्चन उठता है कि ये जो काम करता है ना, ये बड़ी खतरनाक काम करता है, इसका प्रॉपर्टी देखोगे, ये ओनली वन स्टेप में चलता है, ओनली वन स्टेप मैकेनिज्म, SN2 जो होता है ओनली वन स्टेप मैकेनिज्म है, वो कितना स्टेप देता था, टू स्टेप मैकेनिज्म, ओनली वन स्टेप मैकेनिज्म है, ठीक है। और ये तुम्हारा ओनली वन स्टेप मैकेनिज्म, एक ही स्टेप में हो जाता है, इसमें कार्बोकेटायन नहीं बनता है, इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनता है, इंटरमीडिएट के रूप में ट्रांजिशन स्टेट। अब ये ट्रांजिशन स्टेट किसको कहते हैं, तो अभी हम सिखाएंगे तुमको ट्रांजिशन स्टेट किसको कहते हैं। और इसमें जो होता है ना, ये थोड़ा रिएक्टिविटी तुम्हारा पता चल गया, इसमें क्या होता है कि जितना ज्यादा स्टेबल रहेगा ट्रांजिशन स्टेट, उतना ही ज्यादा तुम्हारा क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, लिख लो ना, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, द स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, लिख अपने से लिख सकते, ठीक है। तो ये चीज तुम्हारा क्लियर हो गया, ठीक है। SN2 है, SN2 ऐसे करेगा, दोनों पर रिएक्शन करेगा, दोनों पर इसका रेट जो है दोनों पर डिपेंड करेगा, दोनों पर डिपेंड करेगा, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, ठीक है। एक और बात दिमाग में रख लोगे कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो हमेशा बैक साइड अटैक करेगा, कहां करेगा थोड़ा बताओ, बैक साइड अटैक करेगा, ये तुम्हारा बैक साइड अटैक करेगा, ये तुम्हारा क्या बनेगा, बैक साइड अटैक करेगा, हमेशा बैक साइड अटैक करेगा, और तुम्हारा, ठीक है, ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रख। अब यहां से इसको हम मिटा दे रहे, हम तुमको सिर्फ सिखाना चाह रहे थे रिएक्टिविटी, ठीक है, बस वहीं से क्वेश्चन आता है, बाकी और भी बहुत सारा चीज होता है इसका, लेकिन उतना जाने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, ये बैक साइड अटैक करेगा। ठीक है, यहां से देखो ये न्यूक्लियोफाइल, ये देखो आरएक्स मैकेनिज्म हम एक ही बार में लिख रहे हैं। ठीक है, इधर से बैक के साइड से हमेशा न्यूक्लियोफाइल आएगा, ये इसको दिया ये इधर भाग रहा है। ठीक है, तो यहां से देखो ये जुड़ रहा है हल्का हल्का, ये टूट रहा है हल्का हल्का, तो ये तुम्हारा आर जो है ना इधर टूट रहा है इधर ये जुड़ रहा है, ये कंफ्यूज है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, बात समझ रहे हो। तो यहां से देखो ये कंफ्यूज है, एकदम भारी कंफ्यूज है, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, अरे बेचारा ये तो न्यूट्रल है, ये तो पता ही नहीं चल रहा है इसको क्या करते हैं। इसी को कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट जब असमंजस का घड़ी आ जाए उस स्टेट को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। क्या होगा बाबा मेरा, क्या होगा जब ये कंडीशन आ जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। ड्रास्टिक कंडीशन भी कर सकते हो, जबरदस्ती भी कर सकते हो, जबरदस्ती करना पड़ेगा, तुमको पढ़ने का मन नहीं कर रहा, हम कह रहे हैं जबरदस्ती पढ़ो, ये तुम्हारा ट्रांजिशन स्टेट, बात समझ गया। लेकिन पढ़ने का सिवाय छोड़ के दूसरा काम करोगे तो होगा, थोड़ा मस्ती कर लो, थोड़ा गाना सुन लो, हो गया गाना, कोई भी गाना सुन सकते हो, पुराना गाना भी, हम तो पुराना गाना सुनते हैं फिलहाल। ये देखो तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट उसके बाद फाइनली ये क्या हो जाता है, तो ये न्यूक्लियोफाइल जो है इधर से खाली बदल देता है, फेज बदल देता है। पहले ये देखो इसका एक्स इधर था, अब न्यूक्लियोफाइल क्या हो गया इधर, तो ये तुम्हारा उलट जाता है, ये पलट जाता है, ये पलट जाता है, क्या जाता है, पलट जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं इनवर्सन, क्या बोलते हैं, इनवर्सन कॉन्फ़िगरेशन के रूप में। ये सब जानने का जरूरत है नहीं, लेकिन जान लोगे थोड़ा बहुत इनवर्सन। इसको अम्ब्रेला इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, देखोगे अभी तुमको भी दिखाने की कोशिश करते हैं। ये समझ में आ गया, ये ट्रांजिशन स्टेट, ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक किया, ये जुड़ रहा है उधर टूट रहा है, ये थोड़ा दिमाग में रख लेना। चलो ये थोड़ा सा मैकेनिज्म दिखाते हैं तुमको और समझाने की कोशिश करते हैं। एकदम बढ़िया सीखते चल जाओ, बढ़िया सीखते चल जाओ। ठीक है, जैसे मान लो ये तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, और ये तुम्हारा क्या है, ये सी, और ये तुम्हारा क्या है सी, और यहां तुम्हारा क्या है सीएस थ्री, और यहां क्या है सीएल। ठीक है, तो यहां से तो सीएस थ्री सीएल को हम क्या कर सकते हैं, इसका डायग्राम बना सकते हैं ऐसे, ये सी। ठीक है, यहां से तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा यहां से यहां से और यहां से, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब कहोगे सर ये त्रिभांग काय कर दी, अरे त्रिभांग नहीं है, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल हमेशा कहां अटैक करेगा, बैक साइड। ठीक है, तो ये बैक साइड अटैक करता है, इसको जगह मिल जाता है, हाइड्रोजन एक एक है, ये टेट्राहेड्रल शेप, कार्बन टेट्राहेड्रल शेप में रहता है, चार बॉन्ड बनाएगा ना तो टेट्राहेड्रल बनाएगा, ये इधर अटैक किया तो ये भाग रहा है। अब होता क्या है कि ये कार्बन गोड़ हाथ अपना जो है ना सीधा करता है, आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल जुड़ा लेकिन पूरा जुड़ा नहीं है, असमंजस का घड़ी है, ये बेचारा हाइड्रोजन अपना गोड़ हाथ सीधा कर दिया, तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, और ये इसको भी पूरा तोड़ा नहीं, ये भी असमंजस की घड़ी। तो इस असमंजस का घड़ी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। जिस समय इसको ट्रांजिशन स्टेट भी बोलते हैं, ड्रास्टिक कंडीशन भी बोलते हैं। कार्बन पांच बॉन्ड बनाए, कार्बन टोटल चार ही बॉन्ड बना सकता है, लेकिन इस असमंजस की घड़ी में वो क्या किया है, इधरों से रखता है उधरों से रखता है, दोनों नाव पर पैर जमा के रखता है कि क्या करेंगे, इधर छोड़े कि नहीं छोड़े, बात समझ रहे, न्यूक्लियोफाइल आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन उसमें तुम्हारा क्या एशियन वर्ल्ड में फुल कॉन्फिडेंस में रहता है, पहले भगा दो न्यूक्लियोफाइल भी करेगा, इसमें क्या है कॉन्फिडेंस में नहीं है ये कि इसको भगाए ये आएगा कि नहीं, ये धीरे धीरे आ रहा था इसको धीरे धीरे भगा रहा था, जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे भगाएगा, बात समझ रहे हो। तो ये चीज थोड़ा दिमाग में रखना, दिस वन इज ट्रांजिशन स्टेट। अब फाइनली ये क्या करता है, तो ये फाइनली ये उसको भगा देता है, इधर आ जाता है, तो ये जानते हो ये छाता तरी उलट जाता है, ये जस्ट लाइक छाता के जैसा ये तुम्हारा क्या हो जाता है, उलट जाता है, ये पलट जाता है, बात समझ रहे हो, उलट जाना मतलब समझते हो ना, हाँ, तो पलट जाता है। तो कुल मिलाकर ये छाता जैसे ये इधर था, है ना, छाता ऐसे रखते हैं, उधर से तूफान आया, वैसे उधर से तूफान आया, पलट गया धड़ से, पलटता नहीं है तुम लोग कभी, नहीं पलटा ना, तो क्या करना, छाता ऐसे करके कभी ऐसे खींचना, देखना पलट जाएगा, तो उसी पलटनिया को हम लोग क्या कहते हैं, इनवर्सन कहते हैं। ये पहले इस तरह था, अब इस तरह हो गया, इनवर्सन कहते हैं, क्या कहते हैं, इनवर्सन। और इसको कभी कभी अम्ब्रेला इफेक्ट भी बोलते हैं, तो हम यहाँ ए इफेक्ट लिख दे रहे हैं, अम्ब्रेला इफेक्ट भी बोलते हैं, तो अम्ब्रेला इफेक्ट भी बोलोगे। कभी कभी तुम्हारा बोला जाएगा SN2 रिएक्शन, मतलब कौन ऐसा रिएक्शन है जो तुम्हारा अम्ब्रेला इफेक्ट कहा जाता है, उसको अम्ब्रेला इफेक्ट होता है, SN2 रिएक्शन, बस मैंने इनवर्सन, ओनली इनवर्सन होता है, इनवर्सन मतलब पलट जाता है। ठीक ठीक, अब क्वेश्चन ये उठा कि जितना ज्यादा स्टेबल ये रहेगा उतना ज्यादा तुम्हारा क्या हो जाएगा, रिएक्टिविटी बढ़ेगा। अब देखो एक चीज बढ़िया समझना, ये तुम्हारा था मिथाइल क्लोराइड, ये था तुम्हारा क्या मिथाइल, अगर मान लो कि इसका हाइड्रोजन हटा हटा के CH3 बढ़ाते रहे, तो यहाँ हाइड्रोजन था तो न्यूक्लियोफाइल आने में कोई बल नहीं लगा, आराम से आ रहा है,
अगर मान लो ये सीएल है और इधर अब तुम्हारा क्या कर देते हैं, इथाइल कर देते हैं, इथाइल मतलब एक में सी एच थ्री लगा दी, तो सी एच थ्री क्या करो, हाइड्रोजन होगा ड्रेन, तो करो हाइड्रोजन, और यहाँ पहले हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन, एक सी एच थ्री लगाए तीन को हाइड्रोजन, और न्यूक्लियोफाइल जो है वो इसको कंजेस्टेड होने लगा, अब करें जाए अकर पास जाना है, कंजेस्टेड एरिया हो गया ना, तो ये थोड़ा सा, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन फिर भी चुप्पे वाले चल जाता है, अटैक कर लेता है, मतलब इसमें थोड़ा, ये तुम्हारा क्या हुआ प्राइमरी, ये तुम्हारा क्या था मिथाइल। तीसरा अगर यदि फिगर बनाए तो यहां से देखो, ये तुम्हारा सी सी सी, यहां देखो इस पर भी हाइड्रोजन, इस पर भी हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस पर कार्बन एक और आ गया, इस पर भी हाइड्रोजन, इस पर भी हाइड्रोजन, इस पर भी क्या हाइड्रोजन, यहाँ तुम्हारा हाइड्रोजन बचा हुआ है, यहाँ तुम्हारा क्या बचा हुआ है हाइड्रोजन, और न्यूक्लियोफाइल आता है कंफ्यूज हो गया पूरे, ये अब क्या करेंगे, अब करें से जाए तो बड़ी मुश्किल है, चलो चुप्पे वाले इधर से अटैक करते हैं, बात समझ गया, इधर से अटैक कर देता है, लेकिन लास्ट वाला कंडीशन देखो, लास्ट वाला कंडीशन कि तीनों पर कार्बन आ जाए, ये इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी, अब इस पर भी क्या है, तो तीन को हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और क्या तीन हाइड्रोजन, इस पर भी क्या होगा, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और क्या तीन हाइड्रोजन, और ये भी छेक दिया, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और क्या तीन हाइड्रोजन, तीन तीन हाइड्रोजन, अब न्यूक्लियोफाइल उधर से आया, ये पूरे तरीके से रिस्ट्रिक्ट हो गया, पूरे तरीके से मतलब पूरा तरीके से, अब जा ही नहीं पाया, तो ये रिएक्शन नहीं करेगा, एसएन2 रिएक्शन करेगा ही नहीं, बात समझ में आया, क्लियर है, तो ये तुम्हारा एसएन2 रिएक्शन ना के बराबर करेगा, ठीक है, सबसे ज्यादा एसएन2 रिएक्शन किसमें होगा, तो मिथाइल में, तो ये रिएक्टिविटी सिर्फ लिखोगे, रिएक्टिविटी हम तुमको सिखा दी, बाकी और कुछ जाने की जरूरत नहीं है, रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसमें होता है, तो मिथाइल हैलाइड में होता है तुम्हारा, उसके बाद तुम्हारा किसमें होता है बताओ, प्राइमरी में, उसके बाद किसमें होता है सेकेंडरी में, उसके बाद किसमें होता है टर्शियरी में, ये थोड़ा दिमाग में तुम क्या करोगे, बात समझ में, तो ये तुम्हारा हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एसएन1 रिएक्शन, एसएन2 रिएक्शन को वर्बली तुमको समझाने की कोशिश की, रिएक्टिविटी कहां से आ जाए, रिएक्टिविटी बोल देगा एसएन2 के हिसाब किताब से ऑर्डर अरेंज करो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो हमको लगता है तुम समझ गया होगा सबसे ज्यादा कौन होगा, तो मिथाइल वाला जो होगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव करेगा, प्राइमरी अगर यदि हाईलाइट आएगा तो वो थोड़ा कम करेगा, सेकेंडरी और कम करेगा, टर्शियरी तो ना के बराबर करेगा, ठीक, रिएक्टिविटी ऐसे जो होगी, तो ये तुम्हारा हो गया SN2 रिएक्शन, कोई दिक्कत, बात समझ रहे हो, अब यहां से तुम्हारा आगे बढ़ जाते हैं, एक होता है SNI रिएक्शन, ये जानने की जरूरत अभी फिलहाल नहीं है, ठीक है, SNI रिएक्शन मतलब इंट्रामॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, ठीक है, थोड़ा सा तुमको हम बता दें, जैसे SN1 में कार्बोकेटायन बना था ना, कार्बोकेटायन, तो कार्बोकेटायन का शेप ऐसे होता है, ठीक है, अब कहोगे सर उसमें न्यूक्लियोफाइल कैसे बनेगा, तो न्यूक्लियोफाइल इधरों से अटैक करता है, इधरों से अटैक कर सकता है, पॉसिबिलिटी दो है, तो प्रोडक्ट कितना बनाता है दो, अगर ये इधर से अटैक किया तो ये तुम्हारा क्या हो गया, इधर से अटैक किया इन्वर्सन बना लिया, इन्वर्सन, इन्वर्सन मतलब उलट गया, अरे एसएन1 का देखो, ये एसएन1 का बता रहे, एसएन1 वाला पेज पलटो और एसएन1 में चल जाओ, वो अटैक करके हम बताए नहीं थे कि क्या बनेगा, ठीक है, अगर इधर से अटैक करेगा, इधर से ये सारा साइड इधर हो जाएगा, तो उल्टा बन गया, इसको इन्वर्सन कहेंगे, और अगर इधर से अटैक करेगा तो ये तुम्हारा क्या देगा, न्यूक्लियोफाइल इधर और एच एच एच, तो जिस तरह से तुम्हारा अल्काइल हैलाइड था उसी तरह से इधर आ गया, जिस तरह से अल्काइल हैलाइड था उससे पलट गया, जब पलट गया तो इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्सन, और ये पलटा हुआ नहीं है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिटेंशन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिटेंशन, और इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्सन, इनवर्सन, तो एक तुम्हारा रिटेंशन हो गया, एक तुम्हारा क्या हो गया इनवर्सन, कोई दिक्कत, तो ये दो प्रोडक्ट बनाता है तुम्हारा, एक मिक्सर ऑफ प्रोडक्ट बनाता है, एसएन1 में एक चीज और दिमाग में रखोगे क्या भाई, कि मिक्सर ऑफ प्रोडक्ट बनता है, मिक्सर ऑफ प्रोडक्ट बनता है, और इसमें एसएन2 में तुम्हारा क्या हो जाता है, ओनली वन प्रोडक्ट बनता है, और सिर्फ इनवर्सन, रिटेंशन का तो बात ही नहीं, सिर्फ इनवर्सन, इसमें इनवर्सन भी बनता है, रिटेंशन भी बनता है, इन्वर्सन मतलब पलट गया, नहीं भी पलटा, दोनों बनता है, बात समझ गया, इतना दिमाग में रख लो, आज के लिए इतना ही, कल हम लोग चर्चा करेंगे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, लेकिन थोड़ा सा और समय लेते हैं, थोड़ा सा रुक जाओ इसमें तुमको हम दिखा दे रहे हैं कि क्या क्या और चर्चा हम कर देंगे इसमें, हेलो वेलकम वाला, हेलो वेलकम चैप्टर खत्म कर देगा, चलो देखो थोड़ा लंबा है, थोड़ा सा मालूम, ठीक है, यहां से देखो, अब सम इंपॉर्टेंट रिएक्शन तुमको देखना है, सम इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रख लोगे, सम इंपॉर्टेंट रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक हुआ, अभी तुमको डिटेल बताए,
इसका इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताएंगे। दूसरा क्या होता है, मेटालिक रिएक्शन होगा, मेटल के साथ रिएक्शन करना है, मेटल के साथ रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल। तीसरा एक और रिएक्शन तुमको यहां पढ़ाएंगे हम, ठीक है, अभी टाइम नहीं है थोड़ा सा तो संभालोगे अभी इतने। रिएक्शन विद मेटल और तुम्हारा ये एलिमिनेशन रिएक्शन भी इसी में पढ़ना है, एलिमिनेशन रिएक्शन भी पढ़ना है, तुम लोग को बताएंगे, सिलेक्टिव बताएंगे इस पे रिएक्शन करके, सारा कन्वर्शन भी बताएंगे, टेंशन मत लो, पूरा कन्वर्शन जितना भी एनसीईआरटी का कन्वर्शन है सारा हम डील कर देंगे। एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन एकदम लफ्ज पर रहेगा तुम्हारा, टेंशन मत लो, एकदम बहुत अच्छे से खाली पढ़ते चलना, पढ़ते एनर्जेटिक रहो, ठीक है। कोशिश हम कर रहे हैं दिन दिन भर पढ़ाएंगे, दिन दिन भर खाली पढ़ते रहो, खाली पढ़ते रहो, तुम भी पढ़ते रहो, दिन भर पढ़ाएंगे, दिन भर पढ़ो, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन बस यहाँ तो हो गया, और यहाँ से ये निकले फ्लेक तुम्हारा रिएक्शन विद मेटल, एलिमिनेशन रिएक्शन, बस काफी है, ये तीन रिएक्शन निकले फ्लेक तो डील कर दिए, रिएक्शन विद मेटल एक बार डील करेंगे, एक बार एलिमिनेशन रिएक्शन डील करेंगे, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है वो लेके चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना है, कल हम लोग चर्चा करेंगे इसी का टॉपिक, या फिर नेक्स्ट वीडियो में तुमको मिलेगा इसी का टॉपिक, ठीक है, बाय बाय।